हे गाइस, दिस इज सीएसीएम आशुतोष लाडा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, आज से हम लोग हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली क्लास में थोड़ा दिन का डिले हुआ। रीज़न था क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों का सबका रिजल्ट आया, मतलब कि आपके सीनियर्स का रिजल्ट था, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमारा रिजल्ट जो है वो बड़ा ही शानदार रहा, जिसके लिए आप लोग फीडबैक जाकर के देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है वो आप लोगों को नीचे लाइन में चल रहा है, वो आप लोग वहाँ पर जाकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे फीडबैक्स आप लोगों को मीडिया में, जैसे आप फाइल में जाएंगे तो मीडिया में आप लोगों को सारी फोटोज़ दिखेंगी, जहाँ जहाँ बच्चों ने जिन्होंने भी जो जो स्कोर किया। तो बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ दैट अपने यहाँ से 3 ऑल इंडिया रैंक्स हैं, प्लस हमारे यहाँ पर टोटल अगर मैं मेरे तीनों सब्जेक्ट की बात करूँ, जो कि मेरे CMA इंटर पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, CMA इंटर ग्रुप 2 के अंदर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और CMA फाइनल का जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, वो ये तीनों ही पेपर्स के अंदर अगर मैं मिलाता हूँ तो लगभग 150 प्लस स्टूडेंट्स के एग्जम्पशन है। सब्जेक्ट वाइज टॉपर की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे यहाँ से 95 मार्क्स हाईएस्ट हैं, प्लस सेकेंड ग्रुप के अंदर अगर मैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो हमारे यहाँ से 98 मार्क्स, जी हाँ ओनली 2 मार्क्स कटे हैं, 98 मार्क्स हमारे पेपर नंबर 10 के अंदर हैं। एंड CMA फाइनल की अगर मैं बात करता हूँ तो जयपुर से CMA कनिका जो हैं उन्होंने स्कोर किया है 87 मार्क्स, जो कि मेरी फेस टू फेस स्टूडेंट की क्लास की स्टूडेंट रही थी। ठीक है, तो गाइज आज से हम लोग हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और नया टॉपिक क्या है आप लोगों को बता दूं कि अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो कवरअप किया है, रिसेंटली हम लोगों ने आपका इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक कवर कर लिया था। देन हम लोगों ने आपके लिए कवर किया था इंट्रोडक्शन के साथ, हम लोगों ने आपके साथ कवर अप कर लिया था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जहां पर हम लोगों ने सर्विस जो भी सेक्टर्स के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब आते हैं असली चीज पर, नेक्स्ट। अभी तक हमने जो सर्विस की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो दो ही चीजों का बिजनेस कर सकता है, क्या? आइदर या तो वो अपना प्रोडक्ट सेल करेगा या वो अपनी सर्विसेज सर्व करेगा। तो सर्विसेज की कॉस्टिंग के लिए हम लोगों ने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग देखा, अब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकालने हैं उसके लिए आ जाइएगा गाइज। ये देखिए, तो आज से हम लोग हमारा नया चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस नए चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट एंड जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। मीनवाइल मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा है, जस्ट ए सेकेंड गाइज, मैं अपना पेन ढूंढ लेता हूँ। भैया पेन कहाँ है मेरा? यस, नाउ आई हैव पेन विद मी। सो सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट शीट जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, मतलब कि हमें यहाँ पर इस चैप्टर में क्या करना है। उससे पहले मैं यहाँ पर चैप्टर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अपनी बुक में एक अलग सी पहचान है, जो कि शायद आपको, मैं कह सकता हूँ कि आपको आज तक टिल डेट किसी भी फैकल्टी की बुक में ये चीज़ नहीं मिलेगी। अगर है तो आप लोग मुझे ज़रूर अपडेट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा कि अगर आप लोगों को ऐसी बुक कहीं पे अवेलेबल रहती है तो क्या। उसके लिए मैं आपको यूनिक फीचर्स बताता हूँ जो कि आपने कहीं नहीं देखे होंगे, और अगर देखे हैं तो मुझे अपडेट ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा। सबसे पहला हमारा एक यूनिक फीचर कि हम लोग, हो सकता है कि ये यूनिक फीचर आपको हर सब्जेक्ट टीचर के बुक में मिल जाए, क्या? एवरेज वेटेज की, जैसे कि इस चैप्टर की वेटेज क्या है भैया? 8 मार्क्स, पहली चीज। अब इसके बाद जो दूसरी चीज है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। चैप्टर इंडेक्स, आप लोगों को, आपने शुरुआत के अंदर इंडेक्स जरूर देखा होगा, आप लोगों ने इनिशियली जब चैप्टर स्टार्ट, बुक स्टार्ट होती है, बुक स्टार्ट के टाइम पर आप लोगों ने सबने चैप्टर इंडेक्स जरूर देखा, वो आपके चैप्टर्स के इंडेक्स देखे होंगे, लेकिन चैप्टर में टॉपिक्स इंडेक्स नहीं देखा होगा। तो यहां पर हमारा ये टॉपिक इंडेक्स है कॉस्ट शीट जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग, इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्लस वन डे बिफोर जो आपको करने हैं ये क्वेश्चन। ये मैंने ब्लैंक छुड़वा रखा है, ये मैंने ब्लैंक क्यों छुड़वा रखा है, क्योंकि ये मैं आप लोगों को क्लास में बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको वन डे बिफोर करना है। वन डे बिफोर क्वेश्चन का मतलब क्या है? वन डे बिफोर का मतलब है कि ये वो क्वेश्चन है जिनको आपको एग्जाम के एक दिन पहले भी देखना है। एग्जाम के एक दिन पहले पूरा कोर्स नहीं करना है, एग्जाम के एक दिन पहले लेकिन इसको जरूर देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आते हैं असली यूनिक फीचर्स पर, ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस इन पास्ट एग्जामिनेशन, कि पास्ट एग्जामिनेशन के अंदर क्या ट्रेंड रहा है, पास्ट एग्जामिनेशन के अंदर क्या ट्रेंड रहा है भैया पेपर्स का, देखिएगा। जून 2017 के अंदर 4A, दिसंबर 17 में 4A, जून 18 4A, दिसंबर 18 4A, जून 19 4A।
तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हमारा जो क्वेश्चन उठ के आने वाला है वो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट ए, ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें 8 मार्क्स का 8 मार्क्स का 9 मार्क्स का 8 मार्क्स का, तो इन शॉर्ट हैंस प्रूव कि भैया एवरेज वेटेज 8 मार्क्स। टॉपिक्स, अब उस क्वेश्चन के अंदर कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया था ये भी तो पता होना चाहिए ना हम लोगों को, ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा, कोशीट और एक आपका ईबीक्यू रहेगा जो कि हम लोग बैच कोस्टिंग में देखेंगे, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को एक यूनिक फीचर दिया कि पेज नंबर ऑफ कॉपी, ताकि आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा से क्या कहता हूं, हमारे यहां पर कोस्टिंग आसान है। तो कोस्टिंग आसान क्या है, कोस्टिंग आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों को सभी क्वेश्चन को बिना सोल्यूशन के करना है, सॉल्व करना है। आप लोग जब वापस से रिवाइज करेंगे, उस तब की बात कर रहा हूं, फिर भी अगर आप लोग कभी कोई किसी पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डिफिकल्टीज महसूस होती है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर आपको आपकी कॉपी के पेज नंबर डालना है, यहाँ पर आप लोगों को आपकी कॉपी का पेज नंबर डालना है। अगर सपोज से आपकी 3 कॉपी भर जाती है तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज से 3rd कॉपी के अंदर ही आ रहा है, तो 3rd पेज नंबर सपोज 42, तो आपको यहाँ पे लिख देना 342, मतलब कि 3rd कॉपी में 42 पेज नंबर में मिल जाएगा ये चीज। तो इस तरह की ये फीचर्स हमको आपके साथ मिलेंगे। चलिए, अब ये यहाँ से हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं, जहां पर आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या क्या मिलने वाले हैं, आपको पास्ट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन, दिसंबर 2015 दिसंबर 2014 आपका जून 15 जून 19, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जून 2008 से हमारे इस बुक के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस आपके लिए MTP RTP वर्कबुक, लास्ट आप लोगों के लिए सभी स्टडी मटेरियल के सभी क्वेश्चंस, चाहे वो थ्योरी के लिए हो चाहे प्रैक्टिकल के लिए हो, ये हमारी बुक्स में आप लोगों को अवेलेबल रहेगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में इसका मतलब क्या है कि सर क्या हमें कोई क्वेश्चन बाहर से देखने की जरूरत है, मेरा आंसर है नो, 0.001% भी नहीं, आपको कोई क्वेश्चन बाहर से देखने की जरूरत नहीं है, माई बुक इज सफिशियंट फॉर द सेम। दैट्स वाई हो सकता है हमारी ड्यूरेशन थोड़ी बाकी फैकल्टीज के कंपेरेटिवली 5 या 10 लेक्चर आगे एक्स्ट्रा हो, लेकिन चीज ये होगी कि जब हमारा बच्चा हमारी क्लास कंप्लीट कर रहा होगा तो उसको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अभी तो मेरी RTP बाकी है, अभी तो मेरा MTP बाकी है, अभी मेरा वर्कबुक बाकी है, अभी मेरे को थ्योरी करना है, अभी मेरे को MCQ करना है, नथिंग, कुछ नहीं, सब कुछ इन क्लास इटसेल्फ, खत्म, दैट्स ऑल। और आप लोग जानते हैं अगर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक से पढ़ना है तो कंटेंट का क्या रेफर करना है, भैया इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल, इंस्टीट्यूट हमारा माई बाप, इंस्टीट्यूट ने जो लिख दिया वो हमारे लिए सही, कैसा नहीं, इंस्टीट्यूट ने कई मॉड्यूल के अंदर गलतियां कर रखी है, वो हमें करेक्ट करनी है, जो मैं आपको मेरे सॉल्यूशन कराते समय करा दूंगा। अब बातें बहुत भाई बात पॉइंट पे कि कोस्ट शीट है क्या सर, तो मैंने कहा देखो आओ साहब, क्या आप सभी बच्चे वो चैप्टर याद है जो मैंने आप लोगों को पहले इनिशियल लेक्चर्स में कराया था, मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर जब कराया था तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कोस्ट कितने प्रकार की होती है। सर आप लोगों को याद रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के साथ HTML नहीं होगा, सर ये HTML क्या है, मैं कहा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये नहीं होगा। तो देखिए भैया कोस्ट को हम लोगों ने 4 हिस्सों में सर्व किया था, सॉरी 3 हिस्सों में, मटेरियल याद आ रहा है, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस या एक्सपेंस। फिर हमने इनको फर्दर 2 भागों में बांटा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये हम लोगों ने किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये किया था। आप सब लोगों को याद है मैंने कहा था डायरेक्ट खर्चे वो खर्चे होते हैं जो कि आपके पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को जो बनाने के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट में दिखते हैं और उस प्रोडक्ट के अंदर लगे हैं। कैसे, जैसे कि ये पेन है, बड़ा सस्ता पेन है, ज्यादा महंगा नहीं, बस 7,000 रुपए का पेन है। सर क्यों फेंकते हो, मैंने कहा भाई डिजिटल पेन है, ठीक है डिजिटल पेन है भाई, तो ठीक है ना। तो अब सिनेरियो क्या है कि इस पेन के अंदर मुझे क्या क्या दिख रहा है, सर इस पेन को बनाने के लिए, अब मेरे को एक चीज बताओ, इस पेन को बनाने के लिए यहाँ पे ये निब लगी है, यहाँ पे बटन्स दे रखे हैं, यहाँ पर इसका कवरअप है, ये पूरी प्लास्टिक बॉडी है, क्या ये मटेरियल मेरा डायरेक्टली इसी प्रोडक्ट पर लगा है, आंसर इज यस। तो
तो दैट मीन्स इट इज डायरेक्ट मटेरियल. लेकिन क्या मेरे पास केवल और केवल अगर मैं इसकी फैक्ट्री पर इसका जहां प्रोडक्शन हो रहा होगा उस प्रोडक्शन हाउस की अगर मैं बात करता हूं तो क्या मेरे पास केवल और केवल इसकी प्लास्टिक का ही मटेरियल आया होगा? सर आंसर इज नो. मैंने कहा कैसे? मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा, क्या मुझे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक मशीन लगाई? इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने एक मशीन लगाई, उस मशीन के अंदर मेरे को ग्रिस डालना पड़ रहा है, उस मशीन के अंदर मुझे ग्रिस डालना पड़ रहा है, उस मशीन के अंदर मेरे को पेट्रोल डालना पड़ रहा है, या मैं ये कहूं कि मैं ये तो मैंने प्रोडक्ट बनाया और इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फैक्ट्री में. उस फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, जब भी हम लोग काम करते हैं तो काम करने के बाद हमारा यहां पर प्लास्टिक छीला जाता है और प्लास्टिक काफी कूड़ा करकट हो जाता है तो भैया डेली वहां पर क्या होता है, झाड़ू होती है. झाड़ू मतलब कि जो भी गंदगी होती है उसको साफ किया जाता है और फिर वहां से पोंछा मारा जाता है. पोंछा मतलब कि गीले कपड़े से, जो आप लोगों के आपने इतना सा तो जानते होंगे यार, इतना सा तो बच्चे नहीं हो, पोंछा क्या होता है इतना सा तो समझते होंगे. पोंछा मतलब कोई भी गंदगी वगैरह रहती है तो हम लोग गीले कपड़े से साफ करते हैं ना, तो हम लोग यूज करते हैं वहां पर. तो ऐसी सिचुएशन में मुझे एक चीज बताओ, आज सपोज से मैंने कोई भी फ्लोर क्लीनिंग मटेरियल है, क्या फ्लोर क्लीनिंग मटेरियल मेरा इसमें यूज हुआ? नो. लेकिन क्या वो मटेरियल है? यस, मटेरियल है लेकिन इसमें यूज नहीं हुआ. मटेरियल है लेकिन इसमें यूज नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्या है? सर इसका मतलब वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि अगर ये इनडायरेक्ट नहीं होता तो डायरेक्ट कब होगा? जब वो इस प्रोडक्ट में लगेगा. सपोज से मैंने शर्ट पहना है, शर्ट बनाने वाले के लिए जो बटन है, ये मुझे एक चीज बताओ, ये जो बटन है ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सर डायरेक्ट. क्यों? क्योंकि इसी शर्ट में लगा है. इस शर्ट को बनाने के लिए मेरा कपड़ा लगा, क्या डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? सर डायरेक्ट है. अब मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से एक है, सपोज से शर्ट बनाने वाला बंदा जो है वो अपने वहां पर वॉशरूम हर जगह होता है, क्योंकि भैया इमरजेंसी कभी भी हो जाए, क्योंकि ये मौत से कम थोड़ी है, मौत, ग्राहक और इमरजेंसी ये कभी भी हो सकती है, तो वॉशरूम हर फैक्ट्री में होना कंपलसरी है. अब वॉशरूम है तो अपन सरकारी वो तो है नहीं कि पब्लिक टॉयलेट्स हैं जहां पर कि जन्मों जन्मांतर तक सफाई नहीं करनी. तो अब पॉइंट है कि ऐसी सिचुएशन में अगर मैं ये बात करता हूं कि वहां पर टॉयलेट्स वगैरह को क्लीन करने के लिए हार्पिक है, क्योंकि मैं हार्पिक का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे समझ सकते हैं हार्पिक क्या है. अभी मैं किसी लोकल का नाम ले दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हार्पिक ऑल ओवर इंडिया चलता है. तो हार्पिक क्या है? अब मुझे एक चीज बताओ, क्या हार्पिक मटेरियल है? क्या पहला क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में, हार्पिक मटेरियल है? आंसर इज यस, मटेरियल है. दूसरा क्वेश्चन, क्या वो मटेरियल इस प्रोडक्ट में लग रहा है? नहीं सर, इसमें नहीं लग रहा. तो अगर इसमें नहीं लग रहा है तो दैट मीन्स क्या है, मटेरियल है लेकिन इसमें नहीं लग रहा है तो मतलब इनडायरेक्ट है. सेम लाइकवाइज लेबर, जो इस पेन को बनाने के लिए, इस शर्ट को बनाने के लिए जो लेबर लगेगी, दैट मीन्स टेलर की कॉस्ट, टेलर को जो सैलरी दी जाएगी वो हमारे लिए डायरेक्ट है. इस पेन को बनाने वाले के लिए की सैलरी डायरेक्ट सैलरी है. लेकिन अगर मैंने मेरे वहां पर अकाउंटेंट रख रखा है, क्या वो अकाउंटेंट मेरा पेन बना रहा है? आंसर इज नो, अकाउंटेंट पेन नहीं बना रहा है. तो अकाउंटेंट की सैलरी क्या होगी? सर वो इनडायरेक्ट होगी. ठीक है, अब आ जाओ तीसरा लास्ट, एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? वो सभी खर्चे जो ना तो मटेरियल है ना ही लेबर है, ना तो मटेरियल है ना ही लेबर है, लेकिन लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगे हैं. मतलब अब ये इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगे हैं, अब वो सभी खर्चे जो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगे हैं वो क्या होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस. सर एग्जाम्पल, मैंने कहा रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन. ध्यान से सुनना मैंने क्या शब्द बोला, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन. जैसे सपोज से मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि मार्बल की माइंस से मार्बल निकाल रहे हैं, क्या है? प्रोडक्शन है. लेकिन सरकार से हम लोगों ने उसको लीज पे लिया है, सरकार से हम लोगों ने उसको क्या लिया है? लीज पे लिया. भाई क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए भैया, कल को क्या है मेरे साथ ऐसी बहुत चोट हो जाती है, मैं पूरा 2 घंटे का लेक्चर ले जाता हूँ फिर उसके बाद में पता चलता है ओ शिट रिकॉर्डिंग मोड तो ऑन ही नहीं किया था, फिर उसके बाद बहुत दुख होता है, मतलब क्या बताऊँ. और वैसे आज मेरा लुक कैसा लग रहा है? ठीक ठाक. क्यों सर, क्यों खुद की बड़ाई कर रहे हो? क्यों अभी सच? सर अच्छा सुनोगे कि सच बोलें? मैंने कहा कुछ मत बोलो, सुनो. एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस का अर्थ क्या हुआ? वो सभी खर्चे जो ना तो मटेरियल है ना लेबर है लेकिन लगे हैं. सर कैसे खर्चे? मैंने कहा मार्बल की माइंस से मार्बल निकाला, क्योंकि अपन ने लीज पे लिए मार्बल माइंस. मार्बल माइंस मतलब मार्बल की खाने जो होती हैं. तो करण अर्जुन मूवी देखिए ना, करण अर्जुन मूवी के अंदर वो नीचे, बहुत नीचे दिखता है शाहरुख खान, फिर वो अर्जुन आता है, माँ मिल गई वैसा वाला कॉन्सेप्ट. तो वो खान होती है, वहां से
पत्थर जो निकलता है उस पत्थर को निकालने के लिए रॉयल्टी ली जाती है, उसे बोलते हैं रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। क्यों प्रोडक्शन पे कैसे? क्योंकि उसको निकालने के लिए आपको सरकार में पैसे जमा कराने पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या वो उस पर्टिकुलर मार्बल के एवज में किया गया खर्चा है? आंसर इज यस, उस पर्टिकुलर मार्बल के लिए ही किया गया खर्चा है। तो ये तो समझ में आ गया कि वो डायरेक्ट है। क्या वो मटेरियल है? नो सर, रॉयल्टी ना तो मटेरियल है ना लेबर है। तो मैंने कहा ना रॉयल्टी लेबर है ना मटेरियल है, इसका मतलब एक्सपेंस है। लेकिन क्या वो उस मार्बल को बनाने के लिए किया गया है क्या? तो आंसर इज यस, तो दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। और फिर इसके अलावा जो सभी एक्सपेंस बच गए और जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं हो रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि रॉयल्टी ऑन सेल, मतलब रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है तो आएगा डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन अगर रॉयल्टी ऑन सेल है तो आएगा भैया इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस में, और इधर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये हमने बाइफर्केशन देखे थे। फिर इसके बाद में हमने आप लोगों को ये बताया था कि इनडायरेक्ट मटेरियल है वो आपके तीन जगह हो सकते हैं। कहाँ कहाँ? तीन अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल आपका फैक्ट्री में भी लग सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल आपका ऑफिस में भी लग सकता है, जिसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दूंगा, फैक्ट्री में लग सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में लग सकता है, और हो सकता है कि आपका बाहर शोरूम वगैरह में भी लग जाए, तो वो आपका सेलिंग के लिए भी लग सकता है। तो मैंने ये कहा था कि आपको इन शॉर्ट अगर मैं बात बताऊं तो इन शॉर्ट मेरे पास खर्चे क्या हैं? दो। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं? मटेरियल के डायरेक्ट खर्चे, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, ये हो सकते हैं डायरेक्ट खर्चे। तीन प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो डायरेक्ट मटेरियल होगा, या वो डायरेक्ट लेबर होगा, या वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। सेम इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं तो वो भी मटेरियल होगा, या फिर वो लेबर होगा, या फिर वो एक्सपेंस होगा। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ये तीनों खर्चे तीन अलग अलग लेवल पे होते हैं। कौन कौन से? फैक्ट्री में भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकता है, ऑफिस में भी, या सेलिंग में भी हो सकता है। सेम लाइकवाइज वही लेबर के केस में है और वही एक्सपेंस के केस में। तो इन शॉर्ट अब मेरा पॉइंट आप लोगों से है, जो खर्चे डायरेक्ट हैं, जो सभी खर्चे डायरेक्ट हैं, जो सभी खर्चे डायरेक्ट हैं, सर पहले तो ये तो बताओ हम कॉस्ट निकाल क्यों रहे हैं? हम कॉस्ट निकाल क्यों रहे हैं? मैंने कहा अब एक चीज मुझे सोचो, हम कॉस्ट इतनी सारी झंझट हम कर क्यों रहे हैं? मैंने कहा आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना है बड़ा अच्छे से दिल से, जिससे वो देख के बहुत डर लगता है, और अगर उस पर पास लिखा आ जाए तो बहुत खुशी होती है। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? सर मार्कशीट। मार्कशीट मतलब कि वो शीट जिसके ऊपर मार्क्स लिखे होते हैं। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? कॉस्ट शीट, मतलब कि वो शीट या वो स्टेटमेंट जहां पर हमको पूरी कॉस्ट की डिटेल्ड दी जाती है। आपको आपके मार्कशीट के अंदर क्या हर सब्जेक्ट की डिटेल दी जाती है? मतलब अगर इंस्टीट्यूट कई बार बेइज्जती कर दे तो क्या बेइज्जती वाले नंबर भी देता है क्या? बिल्कुल देता है। और जब इज्जत कराता है 95, 98, 100 मार्क्स देता है तब भी देता है? यस सर, तब भी देता है। तो मतलब कि जो स्टेटमेंट आपको पूरी कॉस्ट की डिटेल देगा उसे कॉस्ट शीट कहेंगे। सर इसकी सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक बड़ा ही इजी जवाब मिला बच्चों से, जब मैंने बच्चों से पूछा कि मैं कॉस्ट क्यों निकाल रहा हूं, तो बच्चा बोलता है कॉस्ट जानने के लिए। मैंने कहा वाओ, इतना गजब आसान भाषा में, रणछोड़दास श्यामलदास छाछड़ का छोटा भाई था वो, तो उसने मुझे बोला आसान भाषा में, सर कॉस्ट निकालने के लिए। मैंने कहा अब मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने कहा कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं? अब वो चुप हो गया, क्योंकि आसान भाषा में क्या है ना, आसान भाषा में थोड़ा आगे जाकर के रुक जाता है, टेक्निकल थोड़ा याद रह जाता है। अब उसने आसान भाषा में ये तो बोल दिया कि कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं, मतलब ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? सर कॉस्ट निकालने के लिए। कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं? पता नहीं। मैंने कहा कॉस्ट इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम लोग हमारी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकें, ताकि हम लोग हमारे प्रॉफिट्स को डिसाइड कर सकें। हम लोग हमारी सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है, प्रॉफिट उससे कैलकुलेट होगा, ये सारी चीजों के लिए। एंड इसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगी? उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अब उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कब होगा? उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कैसे होगा? देखो मैंने कहा सेल्स 1 लाख, लेस करूंगा कॉस्ट से 80,000, तो प्रॉफिट आएगा 20,000। किसी भी कोई भी कंपनी क्या चाहेगी? कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहे। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के दो तरीका, या तो मैं मेरी सेलिंग प्राइस को बढ़ा दूं,
या तो मैं मेरी सेलिंग प्राइस को बढ़ा दूं कि जैसे 1 लाख की जगह मैंने 1,20,000 कर दूं और कॉस्ट ये कि यही रह जाए 80 की 80, तो मेरा प्रॉफिट 40,000 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या मेरे पास दूसरा तरीका है कि ये तो 1 लाख का 1 लाख रह जाए, मैं इस 80,000 को 60,000 कर दूं, मतलब कि कॉस्ट कम कर दूं, तो यहां पर भी 40,000 आ जाएगा। अब पॉइंट है कि प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चा बोलता है सर कॉस्ट तो हम कम कर ही नहीं सकते, हम सेलिंग प्राइस तो हमारे हाथ का खेल है कि हम ही तो डिसाइड करेंगे। आज जैसे मेरी क्लास है, मेरी क्लास के अंदर मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी क्लास कितने में बिकेगी, कितने में रहेगी, क्या प्राइस रहेगी, तो सर मैं ये तो काम कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं दूसरे की प्राइस थोड़ी कर सकता हूँ डिफाइन। मैंने कहा नहीं, आंसर इज रॉन्ग। इन लॉन्ग रन अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोग इस अप्रोच पर चलते हैं, क्यों? क्योंकि हेल्दी एनवायरमेंट के अंदर, हेल्दी कॉम्पिटिशन के अंदर हम लोगों के लिए सेलिंग प्राइस को कम करना या बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं होता है। सेलिंग प्राइस कम आप कर सकते हो लेकिन बढ़ा नहीं सकते हो, क्यों? अगर वही चीज सपोज से आज मैं कोई सब्जेक्ट आप लोगों को 8,000 रुपये में क्लास दे रहा हूँ और उसी सब्जेक्ट की क्लास आप लोगों को मार्केट के अंदर 6,000 में 5,000 में मिल रही है और आपको लगता है कि नहीं यार वो भी इक्विवेलेंट टीचर है, तो आप क्या मेरी क्लास परचेज करेंगे? आंसर इज नो। लेकिन अगर मेरी क्लास भी 5,000 की है, उनकी क्लास भी 5,000 की है, देन यू विल गो फॉर द क्वालिटी। तो सेम लाइकवाइज वही कॉन्सेप्ट है, हम लॉन्ग रन के अंदर हमारी सेलिंग प्राइस को कम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कॉस्ट को कम करेंगे, मतलब कि कॉस्ट को हम लोग कम करेंगे, मतलब कॉस्ट को हम लोग कंट्रोल करेंगे। अब कॉस्ट कंट्रोल कब हो? कॉस्ट कंट्रोल कैसे हो? सर कॉस्ट कंट्रोल तब हो जब हमको ये पता हो कि हमारा मटेरियल पे तो कितना खर्चा लगा है, लेबर पे कितना खर्चा लगा है, एक्सपेंस पे कितना खर्चा लगा है। क्यों? क्योंकि मटेरियल, मैं इस शर्ट को बना रहा हूँ, मैं शर्ट को बनाते टाइम में मैंने सोचा यार मैं 800 रुपये मीटर का कपड़ा लाऊंगा। अब मैं 800 रुपये मीटर का कपड़ा ला रहा हूँ तो क्या मैं ये इस 800 रुपये मीटर को सस्ता कर सकता हूँ? हाँ, मैं बल्क में खरीद लूँगा या मैं 5 सप्लायर से कॉन्टैक्ट करूँगा, जो सप्लायर की कोटेशन सबसे अच्छी होगी मैं उससे परचेज करूँगा। लेबर की बात करता हूँ कि मैं मेरे लेबर के अंदर कौन सा लेबर, मैं कहा जो काम अगर मेरे को लगता है कि कोई सस्ता लेबर कर सकता है तो मैं वही काम जो अनस्किल्ड वर्कर का है वो स्किल्ड से नहीं कराऊंगा, मैं अनस्किल्ड से करा लूंगा, काम चल जाएगा मेरा। तो इस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट रहता है। इसके कारण से, इस सब कॉन्सेप्ट के कारण से हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। और कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए क्या हम लोग केवल और केवल नॉर्मल, अब आपको एक चीज मुझे बताओ, कोई आपको ये दे दे कि यहां पर तो दे दे आपको कपड़ा, सपोज से मैं हिंदी में लिख रहा हूं कपड़ा, कपड़े के साथ आपको दे दे तारपेन, ठीक है, कोई आपको दे दे यहां पर इसके साथ बटन, आपको यहां पर हार्पिक दे दे, आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सी चीज कितनी लगी है, क्या करें। आप लोग क्या चाहोगे कि भैया एक चीज मुझे करके दे दो, मटेरियल मटेरियल एक तरफ लिख के दे दो, लेबर लेबर मुझे एक तरफ लिख के दे दो, एक्सपेंस एक्सपेंस मुझे एक तरफ लिख के दे दो और मुझे इसका बायफर्केशन दे दो। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये शर्ट बना रहा हूं, मैं ये शर्ट बना रहा हूं तो इस शर्ट के अंदर मेरी सबसे बड़ी कॉस्ट किस चीज की होगी? ध्यान से सुनना, इस शर्ट को बनाने के लिए मेरी कॉस्ट पहले तो ये बताओ क्या क्या लग सकती है। सर इस शर्ट को बनाने के लिए आपको कपड़ा चाहिएगा, बटन्स चाहिएंगे, पीछे बैच चाहिएगा और धागा चाहिएगा, ये सारी चीजें चाहिएंगे। ये सारे क्या हैं सर? डायरेक्ट मटेरियल, प्लस आपको एक टेलर चाहिएगा जो आपको बना सके, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसके अलावा जो भी खर्चे हैं जिसे हम लोग ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं, इसके अलावा जो भी खर्चे होंगे जिसे हम ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं, मुझे एक चीज बताना ध्यान से। शर्ट को बना रहा हूं तो शर्ट में सबसे बड़ा मेरा अगर सबसे मेन खर्चा कोई होगा तो वो क्या होगा? सर इस कपड़े इसके अंदर लगने वाला डायरेक्ट मटेरियल, इसको बनाने के लिए लगने वाली डायरेक्ट लेबर और इसको बनाने के लिए लगने वाली डायरेक्ट एक्सपेंस, ये मेरे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होगा। होगा कि नहीं होगा? से यस और नो, बताओ भैया होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर ये खर्चा मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इन सभी खर्चों को बायफ्रिकेट करना है। अब देखो, आप लोगों को लिखना कुछ नहीं है, आप लोगों को केवल समझना है। आज हम लोग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को मैं कराऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों को पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा भाई साहब मेरे कॉस्ट अकाउंटेंट मित्र के पास। कॉस्ट अकाउंटेंट भैया आपने कॉस्ट अकाउंटिंग करी है? मैंने कहा बिल्कुल। वो बोलता है बिल्कुल करी है, क्या मदद कर सकता हूँ भाई मैं तेरी? तो मैंने कहा कि भैया मेरे को ना आप जो मैं काम कर रहा हूँ ना उसकी कॉस्ट निकाल के दोगे क्या? तो कहा बिल्कुल निकाल दूंगा, बता खर्चा क्या क्या लगता है। तो मैंने कहा भैया देखो ना मैं शर्ट बनाता हूँ
तो शर्ट बनाने के लिए मेरा कपड़ा लगता है, एक खर्चा तो मेरा कपड़े का आता है। मैं दर्जी है जो मेरा टेलर, उस टेलर को मैं सैलरी देता हूँ, वो भी मेरा खर्चा है। फिर मैंने मशीनरी लगा रखी है, उस मशीनरी के अंदर मैं ऑयल वगैरह डालता हूँ, वो भी मेरा खर्चा है। फिर इस शर्ट को मैं शोरूम के अंदर दे देता हूँ, इस शर्ट को मैं शोरूम के अंदर दे देता हूँ, वो शोरूम के अंदर भी मेरा खर्चा लगता है, शोरूम का रेंट भी लगता है। मैं जहाँ पर बना रहा होता हूँ वहाँ पर फैक्ट्री में मेरा रेंट लगता है, मेरी मशीनरी का जो है डेप्रिसिएशन लगता है। मैं मेरे सेलिंग एजेंट्स रखता हूँ, उनको कमीशन देता हूँ, सेल्समैन रखता हूँ, मैंने अकाउंटेंट रख रखा है। मतलब वो कहता, अरे अरे बस 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 बस, मैं समझ गया, मतलब तू अपने सारे खर्चे गिना के जाएगा, मतलब पूरी टैली, पूरी अकाउंटिंग तू मेरे को मुंह जवानी बोल के जाएगा। अब तो कहा नहीं, रुक जा, रुक रुक रुक, अब क्या रुक। उसने कहा कि देख भाई, अब मुझे तो ढंग से तू धीरे धीरे बता, आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले मुझे ये बता कि तेरे मेटेरियल मेटेरियल कितना खर्च हुआ इस साल, मुझे तो ये बता। देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ अब देखना आप जादू। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर, कॉस्ट शीट। आप लोगों को कॉपी नहीं करना है, मैं आप लोगों को सेपरेट टाइम दे दूंगा कॉस्ट शीट कॉपी करने के लिए, डोंट वरी, ठीक है ना। तो ये कॉस्ट शीट चैप्टर चालू हो चुका है ऑफिशियली। सबसे पहला उस मैंने बोला कि भाई सबसे बड़ा खर्चा बोल, तो बोलता भैया सुनो, सबसे बड़ा जो खर्चा है ना वो मेरे पास लगता है इसके अंदर, पर्टिकुलर बनाओ सर पहले आप, पर्टिकुलर अमाउंट। मैंने पूछा सबसे बड़ा खर्चा क्या लगता है, उसने कहा भैया मेरा सबसे बड़ा जो खर्चा है ना वो मेटेरियल का लगता है। मैंने कहा अच्छा मेटेरियल का लगता है, तो मैंने उससे हैंड टू हैंड पूछ लिया, मेटेरियल तू कैसे करता है, मतलब खरीद के लेके आता है फिर बनाता है या थोड़ा बहुत स्टॉक स्टॉक भी रखता है। उसने कहा नहीं नहीं भैया ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि मैं जिससे खरीदूंगा कल को पता पड़ा, मैंने तो मेरा 1 अप्रैल को देखा, 1 अप्रैल को मेरे पास स्टॉक नहीं था और उसको सप्लायर से मैंने मांगा तो सप्लायर कहता है 5 दिन बाद दूंगा, तो ऐसा हो सकता है क्या कि मैं 5 दिन तक सर शर्ट ना बनाऊं, तो सर इसके लिए मैं सर स्टॉक रखता हूँ, आप चिंता मत करो। मैंने कहा अच्छा आप स्टॉक रखते हो, तो हाँ सर स्टॉक रखता हूँ। तो अगर मैं स्टॉक रखता हूँ ठीक है, मैंने कहा अब एक चीज़ बताओ, परचेज भी करते होंगे, तो हाँ भैया मैं परचेज भी करता हूँ। तो मैंने कहा परचेज कैसे करके लेके आते हो, तो उनका कहना था भैया मैं परचेज करके लेके आता हूँ ना, तो मैं सपोज से सूरत, गुजरात के अंदर एक सिटी है सूरत, हो सकता है यहाँ पे मेरे स्टूडेंट भी हैं सूरत से, वो सूरत वाले बच्चे भी देख रहे होंगे। सूरत एक प्रकार से मंडी है, सूरत एक प्रकार से बहुत बड़ी मंडी है कपड़े के लिए, मतलब मंडी इन द सेंस कि ए प्लेस जहां पर बहुत बड़ा बाजार लगता है कपड़ों का। अब होता क्या है, वहां पर होलसेल मार्केट है, वहां से मैं कपड़ा खरीद के लेके आता हूँ। अच्छा भाई अब तुम वहां से खरीदते हो, और तुमने तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ खोल रखी है। मैंने कहा भैया जयपुर में, मैंने कहा जयपुर में खोल रखी है भैया। तो कहा अच्छा जयपुर में फैक्ट्री खोल रखी है, सूरत से माल लेके आते हो, तो माल लेके आते हो तो फिर तुम्हारा लाने ले जाने का खर्चा भी लगता होगा। मैंने कहा हाँ भैया लगता है। तो फिर मैंने हैंड टू हैंड पूछ लिया, मैंने कहा और इसके अलावा और क्या होता है भैया। मैं ना फिर मैंने पूछा कि साल के एंड में भी कुछ क्लोजिंग रखते होंगे आप, तो कहा हाँ भैया मैं साल के एंड में क्लोजिंग भी रखूंगा। क्यों सर क्लोजिंग रखूंगा, तभी तो अगले साल के शुरुआती जब 5-7 दिन में मेरे को सप्लायर नहीं देगा तो वो भी रखना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब मैं तुमसे ये मान लूं कि तुमने तुम्हारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक है मटेरियल का, तुम्हारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक है मटेरियल का क्या, और मटेरियल कौन सा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है भैया रॉ मटेरियल का। अब ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप लोगों ने पार्टी करनी है, आप लोगों का बर्थडे है, आप लोगों को अपने उनके साथ घूमने जाना है, उनके साथ मतलब समझ गए, समझदार हो, आपको आपके उनके और आपकी उनकी उनके साथ घूमने जाना है। अब बर्थडे आपका है, पार्टी आप दोगे, आपसे मम्मी, आपने मम्मी से पूछा मम्मी मम्मी मैं ना आज, क्योंकि पापा से तो पैसे मांगने की हिम्मत नहीं होती, मम्मी से बोला कि मुझे ना मम्मी पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ना आज पार्टी करके आनी है मेरे को मेरे दोस्तों के साथ। चाहे उसको भी पता है कि कोई दोस्त नहीं आ रहा, केवल एक ही आ रहा है, मैं और तुम, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। चलिए तो अब हुआ क्या, मम्मी को तो क्या है पूरा हिसाब रहता है, मतलब हम लोग अकाउंटिंग सीखते हैं लेकिन उनकी अकाउंट्स बहुत अलग लेवल पे चलती है, उनकी अकाउंट्स ऑटोमेटिक लेवल पर है। उनको ये तक पता है कि साल 2005 में आपको कितने रुपए कब दिए थे, ठीक है ना। तो उनसे कम से कम उनसे तो इस चीज में मत जीतना। अब उनसे आपने पूछा मम्मी मेरे को ना पार्टी के लिए 1500 रुपये चाहिए, 1500 रुपये चाहिए,
हाँ मम्मी 1500 रुपये चाहिए। मम्मी बोली एक चीज बता, तेरे को 3 दिन पहले पैसे दिए थे, उन 3 दिन पहले जो तेरे को 1000 रुपये दिए थे उसमें से तू कितने का सामान लाया था? मम्मी 800 का। तो बेटा तेरे पास 200 रुपये तो उस दिन के भी तो बचे होंगे ना। मैंने कहा शिट, मम्मी को तो याद है कि मेरे पास 200 रुपये बचे हैं। फिर मैंने कहा मम्मी चलो कोई बात नहीं, 200 रुपये है, मुझे तो 1500 चाहिए ना। तो वो बोले कि ले बेटा 1300 ले जा, 1300 ले ले, 1500 हो गए। नहीं नहीं मम्मी मैं वापस आऊंगा ना, तो वापस आते टाइम मेरे पास है ना थोड़ा पैसा मेरे पास भी होना चाहिए। मेरे पास मेरे पॉकेट ऐसे क्या है ना, खाली खाली पॉकेट रहती है ना तो अच्छी नहीं लगती है। वो क्या है ना, हम लोग थोड़े इंडियंस लोग हैं तो हम लोग इस कल्चर को मानते हैं कि अगर पर्स खाली है ना तो अशुभ है। तो मम्मी मेरे को ना मेरे पर्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक भी रखना है, मतलब मेरे कैश का। तो मम्मी बोली कितने रुपए रखना है? 100 रुपये रख ले, 100 रुपये रख ले, ठीक है। तो मम्मी को मैंने बोला ठीक है मम्मी 100 रुपये रख लूंगा, 200 रुपये मेरे पास ओपनिंग पड़े हैं, 200 रुपये मेरे पास पहले के थे, 1300 रुपये मम्मी ने दिए, तो मेरे पास टोटल कितने अवेलेबल हो गए? 200 मेरे पास ओपनिंग थे, 1300 मम्मी ने दिए, तो टोटल अवेलेबल 1400। इस 1400 में से 100 रुपये मेरे पास क्लोजिंग बचा। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि मेरे पास पार्टी में कितने रुपए खर्च हुए? अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूं कि मेरे पार्टी में कितने रुपए खर्च हुए तो क्या आप बता सकते हो क्या? 200 रुपये मेरे पास सुबह पहले जब मैं उठा था, मेरे बर्थडे के दिन जब मैं सुबह पहले उठा, मैंने मेरी आंख खोली तो मैंने पाया कि मेरे पर्स में 200 रुपये पड़े हैं। और सुबह पहले जैसे ही मैंने मम्मी के धोख दी, मम्मी ने मेरे को धोख देते ही ले बेटा 1300 रुपये तेरे बर्थडे पार्टी के, क्योंकि मैं रात को ही डिस्कस करके सोया था। तो मम्मी ने सुबह पहले उठते पहले 1300 रुपये दे दिए। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे 200 रुपये मेरे पर्स में थे, 1300 मम्मी ने दिए, वो 1300 रुपये जैसे ही मैंने पर्स में डाले, मेरा पर्स कितना रुपये बोलता है? मेरा पर्स बोलता है कि आपके पास भाई साहब 1500 रुपये हो गए, बल्ले बल्ले। लेकिन अब मैंने ये सोचा, मैंने कहा देख भाई हमारे उनके और उनकी के साथ जा रहे हैं, कल को पता पड़ा कि अगर खर्चा ज्यादा हो गया ना तो समस्या हो जाएगी, फिर वही अशुभ वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो भाई एक काम कर, इसमें से 100 रुपये का नोट निकाल और पिच्छू वाली पॉकेट में डाल दे। पिच्छू वाली पॉकेट में डाल दिया 100 रुपये। अब 100 रुपये पिच्छू की पॉकेट में डाल दिए, तो मुझे एक चीज बताओ कि अपने पास कितने रुपए का मैक्सिमम हम लोग बाहर पार्टी कर सकते हैं? सर कुछ नहीं, 200 रुपये तो आपके पास ओपनिंग था, 1300 रुपये सुबह पहले मम्मी ने दिया और 100 रुपये हमने पिच्छू वाली पॉकेट में डाल दिया, तो हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज है 1400 रुपये। 1400 रुपये वो रुपए हैं जिससे हम लोग पार्टी कर सकते हैं। बोलो बोलो बेटा लोग, कैसा समझ में आया? सर समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? कि ओपनिंग जो मेरे पास है उसके अंदर से मेरे पास, अब मैं गुड्स की बात करता हूं, ओपनिंग मेरे पास था, इसमें से मैंने परचेज कर लिया इतना, क्लोजिंग भी बचा के रखना है तो वो मेरा क्लोजिंग लेस हो जाएगा, तो ये जो बाकी बच गया है इतना मैं 1400 रुपये में पार्टी में कंज्यूम कर सकता हूं, तो इतना गुड्स में इस साल कंज्यूम कर गया। इसे बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इसे बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो यस और नो। सर बोल भी देंगे तो आपको कौन सा सुनाई देगा? मैंने कहा सुनाई देगा ना कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, या मेरे को व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं आप। और क्लास के लिए तो आपको पता ही है, क्लास वगैरह के लिए कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए हुए हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा मेरी परचेजेस, क्या ऐड कर दूंगा बच्चा पार्टी? परचेजेस ऐड कर दूंगा, और इसमें से लेस कर दूंगा अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक, मैं इसमें से लेस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या मेरे पास टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया? लगे यस सर हो गया। मैंने कहा एक और चीज सुनो, मम्मी ने 1300 रुपये सुबह पहले दिए, लेकिन मम्मी ने 1300 रुपये दिए थे 7 बजे, 7 AM पर। 10 बजे बाहर हमारे घर के बाहर एक सब्जी वाला आता है और मम्मी ने 100 रुपये की सब्जी ले ली, और मम्मी का आदत खुद के पैसे निकालने नहीं। मम्मी ने हैंड टू हैंड मेरे को बोल दिया कि बेटा वो सुबह तेरे को 1300 रुपये दिए थे ना, वो मुझे वापस ला के दियो एक बार, उसमें से 100 रुपये मुझे दियो। मम्मी ये तो आपने वापस रिटर्न ले रहे हो। तो मम्मी क्या बोलेगी, ऐसा मान ले कि तेरे को मैंने 1200 रुपये दिए। मैंने कहा हाँ आप हर बार ऐसे ही करते हो, मैं तो इसको पर, तो मैं आपको एक चीज ध्यान रखना, मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि आपने 1300 दिया, मैं इसको 1300 की जगह 1200 ही मानूंगा और मैं इस 100 रुपये को काट दूंगा। ये लो भैया ये काट दिया, जिसे हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। क्या बोलेंगे बच्चा लोग?
उसे हम लोग बोलेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न भी हो गई, तो ये भी लेस हो गया। अब मुझे एक चीज और बताओ, अब सपोज से मैंने ना ये पेन का डब्बा मंगाया था, पेन मंगाया था, सुन रहे ध्यान से, पेन मंगाए मैंने, और क्योंकि मेरी स्कूल चलती है, सपोज से मेरी स्कूल चल रही है, मैंने पेन परचेज किए, मेरे पास मेरी स्कूल में 3000 बच्चे हैं, मैंने 3000 बच्चों को टीचर्स डे पे या चिल्ड्रंस डे पर मैंने पेन गिफ्ट करने का सोचा, तो मैंने 3000 पेन मंगाए। अब 3000 पेन ऐसा तो है नहीं कि 3000 पेन मेरे पास खाली आएंगे, वो पूरे किसी कार्टन वार्टन में पैक होके आएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे लिए क्या काम का है, मेरे लिए काम है केवल और केवल कार्टन, केवल और केवल कार्टन तो मेरे लिए काम का है, लेकिन वो सॉरी पेन तो मेरे काम के हैं, लेकिन क्या कार्टन मेरे काम का है क्या? आंसर इज नो। लेकिन क्या मैं वो कार्टन को अगर मैं रद्दी वाले को बेच दूं तो क्या मेरे को उससे कुछ पैसा मिलेगा क्या? यस सर, मिलेगा। तो अगर मुझे वो पैसा मिलेगा तो मुझे एक चीज बताओ, अगर परचेज किया तो मेरे लगे 1500 रुपये, मैंने दिए, परचेज कर रहा हूं 1500 रुपये मैंने दिए, लेकिन 1500 में से 50 रुपये का मेरा कार्टन बिक गया, 1500 रुपये में से 50 रुपये का कार्टन मेरा बिक गया, तो क्या मेरे लिए नेट कॉस्ट 1450 ही हो गई क्या? यस सर, मैंने कहा इसमें से क्या लेस कर दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बिल्कुल। तो अब ये मेरे लिए क्या है सर? ये वेस्ट है, आप लोगों के लिए तो कोई काम का ही नहीं है। हाँ, लेकिन किसी ना किसी रद्दी वाले के तो काम आ सकता है, क्योंकि रद्दी वाला उसके गत्ते का कुछ ना कुछ यूज ले जाएगा। तो यहां पर जो अपन ने सेल किया, सेल ऑफ वेस्ट, जो हमारे लिए वेस्ट था उसको हमने सेल किया, तो क्या ये लेस होगा क्या? क्यों होगा, ध्यान से सुनना। सपोज से मैंने पेन मंगाए, पेन कितने रुपए के आए? 1500 रुपए के। अगर मैं बीइंग ए प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, मैं सपोज से मेरे कैशियर को बोलता हूं, कैशियर इधर आना, कैशियर आया, यस सर तूने पेन वाले को कितने रुपए दिए? तो कहा सर 1500 रुपए मैंने। तो कहा टैली में कितना चढ़ाया? सर 1500 रुपए। मैंने कहा अच्छा, वो जो कार्टन जो तूने पीछे के पीछे पीछे वाली खिड़की से बेचा वो क्या था? सर उससे 50 रुपए ही तो आए थे। मैंने कहा 50 आए थे ना, मतलब कि 1500 रुपए की तेरी कॉस्ट आई थी अपने, और 50 का अपना कार्टन बिक गया ना, तो इसका मतलब अपने लिए पेन कितने के पड़े? 1450 रुपए के ही पड़े, ठीक है ना। इस कारण से सेल ऑफ वेस्ट लेस हो गया, ठीक है, इस कारण से सेल ऑफ वेस्ट लेस हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, सपोज से मैं पेन लेके आ रहा हूं, या मैंने कपड़ा मंगाया सूरत से, सूरत से मैं कपड़ा मंगाऊंगा, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मंगाने का मेरा भाड़ा लगेगा क्या? क्या मेरा भाड़ा लगेगा? क्या मेरा रास्ते का इंश्योरेंस लगेगा? रास्ते में मेरे को इंश्योरेंस लगेगा क्या? क्या मेरे को रास्ते में कोई ड्यूटी वगैरह है, कोई कुछ पे करना पड़ गया तो वो देना पड़ेगा क्या? यस, रास्ते में टोल वोल के बहुत से खर्चे होते हैं। मुझे एक चीज बताओ, मैंने शर्ट का कपड़ा खरीद के लेके आया 10000 का, 10000 का कपड़ा खरीद के लेके आया, लेकिन उसको लेके आने का भाड़ा दिया 2000 रुपए, उसको लेके आने का 2000 का भाड़ा दिया, रास्ते में मैंने उसके लिए टैक्स वैक्स का खर्चा दिया, ड्यूटी व्यूटी दिया, इंश्योरेंस इंश्योरेंस दिया, मैंने 3000 रुपए उसका खर्चा किया, क्या मैं ये बोलूंगा कि मेरे लिए ये मटेरियल की कॉस्ट 10000 है, या मैं ये बोलूंगा कि मेरे लिए मटेरियल की कॉस्ट 15000 है? आप खुद दिल से बताना, क्या मैं ये बोलूं कि मेरे लिए 10000 है, या मैं ये बोलूं 2000 और 3000 है? एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने मेरी क्लास परचेज की ना, आप लोगों ने मेरी क्लास परचेज की, मैंने क्या कहा आपको कि मैं आपको क्लास दूंगा, सपोज से मैंने कहा आपको मैं 7000 8000, मेरी 7500 की अभी एज ऑन डेट जो है वो मेरी प्राइस है 7500, आपको तो डिस्काउंट पे मिला है, तो मेरी प्राइस है 7500। अब 7500 की मेरी प्राइस है, डिस्काउंट चला रखा था वो एक अलग चीज है। तो अब मेरे को पॉइंट क्या है कि जो मुझे नेट उसको पे करना पड़ा, मतलब कि आप मुझे पे करेंगे, सपोज से फॉर एग्जाम्पल मैंने डिस्काउंट लगा रखा है बहुत बढ़िया वाला, और मेरी क्लास चल रही है 5000 में, 7500 की जगह 5000, लेकिन इसमें मैंने आपको एक चीज कह दी कि इसके अंदर जो बुक्स है ना वो मैं आपको सब यहां से हम लोग डिलीवर कर देंगे, लेकिन बुक्स जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके नियरेस्ट पोस्ट स्टेशन पर, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से जाकर के आपको वो बुक्स परचेज करके ले, बुक्स लेकर के आनी होगी। ये आपका घर है, देखो वैसे ही मैं आपको पहले बता दूं कि मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, और मेरी ड्राइंग के चर्चे 7 कंट्रियों में चलते हैं, अब ये 7 कंट्री कौन सी हैं आज तक मुझे भी पता नहीं चला,
लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं घर जैसा दिख रहा है। ये घर है और ये लो भैया ये पोस्ट ऑफिस। सर ये पोस्ट ऑफिस कम जहाज ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा कुछ भी मान लो, यहां से यहां जाएगा बच्चा, मेरा बच्चा जो मेरी क्लास ले रहा है वो यहां से यहां जाएगा, और इसको यहां से यहां जाने के कारण से इसका बेचारे का 50 रुपए का पेट्रोल लगेगा। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या ये प्राइस आप लोगों के लिए 5,000 पड़ी कि आप लोगों के लिए बुक मेरी क्लास 5,050 की पड़ी? आंसर इज 5,050 की पड़ी। तो इन शॉर्ट अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो परचेज के साथ के वो मेरे सभी खर्चे जो कि उस परचेजेस को करने के कारण से लगे हैं वो भी मेरे, वो सभी खर्चे भी मेरे परचेज कॉस्ट का हिस्सा माना जाएगा। तो इस कारण से यहां पर इंक्लूसिव ऑफ फ्रेट कोमा इंश्योरेंस, फ्रेट कोमा इंश्योरेंस कोमा ड्यूटी एक्सेट्रा, ये जो खर्चा है ना ये भी इंक्लूड होगा। इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव लेंगे अपन, ठीक है ना? तो ये इंक्लूसिव लेंगे। अब क्या सारा सब कुछ आ गया? क्या परचेज रिटर्न भी आ गया, सेल ऑफ वेस्ट भी आ गया, सब कुछ आ गया? मैंने कहा यस सर बिल्कुल सब कुछ आ गया। तो ये यहां पर जो ही सब कुछ आ गया तो अब ये क्या मेरा क्या होगा, इसे बोलूंगा मैं मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ये मेरा वो अमाउंट है जो कि मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हुआ है। क्या हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। इसी तरह से मेरा आ जाएगा डायरेक्ट लेबर का खर्चा, इसी तरह से मेरा आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब मेरे तीन डायरेक्ट खर्चे, जब मेरे तीन डायरेक्ट खर्चे अगर आ जाएंगे, तीन प्रकार के मेरे डायरेक्ट खर्चे आ जाएंगे, तो आपको जानकर बड़ी गजब हैरानी होगी कि ये तीन खर्चे ही असली मेरे खर्चे होते हैं। और इन तीन खर्चों को जॉइंट के अंदर अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, सर आपने यहाँ लेबर और एक्सपेंस में तो ये सिस्टम किया ही नहीं जो ऊपर से आपने मटेरियल में किया। मैंने कहा भाई मटेरियल में इसने किया क्योंकि मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होता है, लेबर में होता है क्या? नहीं ना। तो फिर चलो ना देखो, तो क्या होगा भैया, इसे बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे हम लोग बच्चा लोग प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट मतलब कि वो कॉस्ट जिसके अंदर मेटेरियल लेबर और एक्सपेंस डायरेक्ट, डायरेक्ट ध्यान से सुनना, डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों को क्यूमुलेटिवली बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है? ये तो हो गया। अब देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया भैया, क्योंकि मैं बिजनेस करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या प्रोक्योर करूंगा, मेरे पास मेटेरियल होना चाहिए, मेरे पास लेबर होनी चाहिए, मेरे पास एक्सपेंस होने चाहिए। ये तो हो गया मेरा काम। अब भैया क्योंकि ये पूरा एक फ्लो है, मतलब कि कॉस्ट शीट इज जस्ट फ्लो, एवरीथिंग इज अंडर इन फ्लो, सब कुछ फ्लो में होगा। क्यों? ध्यान से सुनना, आपको एक और अब आगे लेकर चलता हूं जर्नी में। सपोज से यहां पर मैं एक आपके लिए राउंड पोर्ट बना देता हूं, ये पोर्ट बना दिया, डायरेक्ट मटेरियल अंदर, डायरेक्ट लेबर अंदर, डायरेक्ट एक्सपेंस अंदर, लग गई। अब मुझे एक चीज बताओ, ये सारी चीजें तो आ गई मेरे पास, लेकिन मुझे एक चीज का कॉन्सेप्ट बताओ कि क्या मैंने यहां पर किसी भी प्रकार का कोई इनडायरेक्ट खर्चा लिया है? आंसर इज नो, नहीं लिया। तो नहीं लिया तो मेरे को सबसे पहले एक चीज बताओ, मेरे पास तीन तरह के इनडायरेक्ट खर्चे होंगे, जो इनडायरेक्ट खर्चे जो कि मेरे फैक्ट्री में लगेंगे, इनडायरेक्ट खर्चे जो कि मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्लिक ऑफिस में लगेंगे, और इनडायरेक्ट खर्चे जो कि मेरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगेंगे। ये तीन ऐसे एरिया हैं जहां पर मेरे ये खर्चे लगने वाले हैं। अब पॉइंट मेरा क्या उठता है, सबसे पहले तो ये होगा। अब मुझे ये बताओ सबसे इससे जस्ट बाद में मुझे क्या चाहिएगा, क्या मुझे इनको बनाने के लिए फैक्ट्री चाहिएगी, कि इनको मैनेज करने के लिए ऑफिस चाहिएगा, क्या इनको बेचने के लिए सेल्स आपके लिए शोरूम चाहिए? सर सबसे पहले तो आपको ना यहां पर बनाने के लिए जगह चाहिए। ऑफिस तो मैनेज तब करोगे ना आप जब पहले कुछ बना रहे हो, आपके पास बनाने के लिए कुछ है नहीं। आज सपोज से मैं मेरी क्लास सेल कर रहा हूं, मैंने कहा एक बंदा मैंने रिक्रूट कर लिया ऑफिस के लिए कि भैया तू है ना बाकी बच्चों के लिए क्वेरी वगैरह ये हैंडल करेगा, तू मेरी अकाउंटिंग करेगा। अरे यार अकाउंटिंग तो सर आपकी तब करूंगा ना जब कोई आपकी सेल हो रही होगी, सेल होगी नहीं तो अकाउंटेंट को क्यों बैठाऊंगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मेरा मेरे पास मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या है, मेरे लिए ये लैपटॉप, ये पेन, ये कैमरा, ये लाइट्स,
ये पूरा बैक में मेरा स्टूडियो सेटअप पूरा ये हो गया, ये तो मेरी सारी चीज़ें हो गई, डायरेक्ट मटेरियल वगैरह, लेबर तो मैं खुद ही हूँ, अपने आप में खुद ही मजदूर हूँ भाई, तो ये मेरी मजदूरी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या सबसे पहले मुझे ऑफिस चाहिएगा या सबसे पहले मुझे स्टूडियो रूम चाहिएगा? आप अपने दिल से बताना मुझे कि मुझे सबसे पहले ऑफिस की जरूरत है कि स्टूडियो की? सर सबसे पहले स्टूडियो की, तो मेरे लिए स्टूडियो फैक्ट्री हुआ नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्री है क्या? फैक्ट्री इज ए प्लेस वेयर एक्चुअल प्रोडक्शन टेक प्लेस, जहां पर एक्चुअली प्रोडक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री। अब मुझे पहले क्या चाहिएगा? सर पहले चाहिएगा फैक्ट्री। तो भैया पहले अगर मुझे फैक्ट्री चाहिएगा तो मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, मैं सबसे पहले, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मतलब ये कोर्स शीट बेसिकली कुछ नहीं है, कोर्स शीट एक बेसिकली एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। आप लोगों को सबको पता है कौन सा खर्चा फैक्ट्री का है, कौन सा ऑफिस का है, कौन सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, नहीं पता क्या? अगर हमको ये सारे खर्चे पता है तो आपको कोर्स शीट में दिक्कत आएगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी आती हैं, क्योंकि फैक्ट्री का रेंट फैक्ट्री का फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ऑफिस का रेंट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा, शोरूम का रेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, मशीनरी कहाँ लगती है? फैक्ट्री में, तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन आपका फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले अब मैं इसमें क्या कर दूंगा बच्चा लोग, मैं इसमें सबसे पहले जोड़ दूंगा फैक्ट्री का ओवरहेड। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये आपका ये कॉन्सेप्ट क्या था, आपने यहां पर वेस्ट लिखा, सर ये क्या वेस्ट है? सर ये वेस्ट मतलब स्क्रैप वाला वेस्ट है क्या? मैंने कहा नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेस्ट एंड स्क्रैप। सर क्या? मैंने कहा वेस्ट मतलब कि जब प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही कोई चीज आपके लिए खराब आई है या आपके कोई काम की नहीं है, दैट इज वेस्ट। स्क्रैप क्या होता है? जैसे कि शर्ट बना रहा हूं, शर्ट बनाते समय मेरे को कपड़ा काटना पड़ेगा, क्या उसमें से कतरन निकलेगी? मतलब कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, सपोज मैं कपड़ा खरीद के लाया, कपड़ा मेरे लिए बिल्कुल चौकोर होता है, जब मैं शर्ट बनाता हूं तो मेरे को शर्ट के लिए दर्जी कैसे काटता है इसको देखना ध्यान से। सर आप तो दर्जी भी निकले, मैंने कहा मैं मल्टी टैलेंटेड आदमी हूं यार, ऐसे थोड़ी ऑल इंडिया रैंक आई थी। ये देखो, अरे सर लेकिन आपका शर्ट है ना पता नहीं कौन से किसी और किसी को पहनाओगे, मैंने कहा ये देखो, अब ये इसके अंदर से बीच में से ये यहाँ पर मैंने बटन्स वगैरह लगा दिए, अब मेरे को ये काटना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से काटना चालू करूँगा, ये कैंची चल रही है मेरी टक 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 टक, ये कैंची चल रही है टक 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 टक, ये मेरी कैंची चल गई। अब मुझे दोस्तों एक चीज़ मुझे ध्यान से बताना, ये जो है ना ये वाला एरिया जिसे मैं कतरन बोलता हूँ, ये जो मैं एरिया है जिसे मैं कतरन बोलता हूं, क्या ये मेरे कोई काम आएगा क्या शर्ट बनाने के? अब कल को ये मत बोल देना कि सर झाड़ू पोछे में तो काम आ ही जाएगा, ऐसा काम मत बोल देना, बहुत बारीक बारीक कतरन होती हैं। अब ये कतरन जो है ये मेरे काम आएगी क्या? जिस बॉक्स के अंदर ये आया था, जिस बॉक्स के अंदर ये आया था मेरे लिए, वो बॉक्स मेरे लिए वेस्ट थे, लेकिन ये जो कतरन निकली दैट कतरन इज फॉर मी स्क्रैप। स्क्रैप क्या है बच्चा लोग? स्क्रैप। अब ये स्क्रैप कब पता चलेगी? जब मेरा प्रोडक्शन हो जा रहा होगा, प्रोडक्शन चालू होने के बाद ही पता चलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर मेरा फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री का ओवरहेड लग गया, लेकिन मीनवाइल इसी फैक्ट्री के अंदर से आपको लेस कर देना है। ये यहीं से क्यों लेस किया मैंने, डायरेक्ट में क्यों नहीं लिया? क्योंकि डायरेक्ट के अंदर मैंने केवल एक्यूमलेट किए हैं इन सब चीजों को, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, मैंने इन सब चीजों को मटेरियल लेबर और अदर एक्सपेंस को एक्यूमलेट किया है, प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में जाकर के स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन जो है वो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड के लगने के बाद, क्योंकि जब तक मेरा रेंट ही नहीं लगेगा तब तक मेरा कैसे होगा? तो प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद, और यहां पर इसे क्या बोलूंगा मैं, सेल ऑफ स्क्रैप। आप लोग चाहें तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जब मैं आपको बताऊं तब, अभी आपको लिखने के लिए मैं अलग से समय दे दूंगा, आप लोग चिंता ना करें, मैं आप लोगों को पहले यही चीज पूरी अच्छे से समझाऊंगा, टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से ब्लड में घुसता है, और ब्लड में घुसता है तो क्या होता है, कोस्टिंग आसान है, और कैसे? लंबी गहरी सांस छोड़ें और दिल से बोलें कोस्टिंग आसान है। तो यहां पर आप लिखेंगे कतरन,
ठीक है, ये लेस हुआ। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं आपके लिए, फैक्ट्री का ओवरहेड लेस हो गया। पानी की बोतल कहाँ है भैया हमारी? चले अभी नहीं, आगे चलते हैं। तो यहां पर मेरी प्राइम कॉस्ट थी, उसमें मैंने फैक्ट्री का ओवरहेड जोड़ा, लेकिन सेल ऑफ स्क्रैप को मैंने लेस कर दिया, ये लेस हुआ है। इनको लेस करने के बाद दोस्तों मेरे पास जो फिगर निकल के आएगा, उस फिगर को मैं बोलूंगा वर्क कॉस्ट। क्या बोलूंगा बच्चा लोग? कि हाँ भैया, मेरा वर्क चालू हो गया है और इस वर्क की कॉस्ट मेरे पास आ गई है। अब मुझे एक चीज बताना ध्यान से सुन के, मैंने रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक ले लिया था, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट मैंने ऊपर मटेरियल कंजम्पशन में ले लिया। क्या मेरे पास, मैंने जब पिछला महीना खत्म किया होगा, तो क्या मेरे सारे के सारे शर्ट बन के तैयार हो गए होंगे? क्या मेरे सारे के सारे शर्ट बन के तैयार हो गए होंगे? या कुछ ऐसे भी शर्ट रहे होंगे जो कट के आधे पड़े हुए थे, कोई कटे हुए ऐसे थे कि जिनके ऊपर सिलाई तो कर दी लेकिन आपका बटन्स लगाना रह गया, कुछ एक ऐसे होंगे जिनको आपके प्रेस करना रह गया, तो कुल मिलाकर के ऐसे रहे होंगे डेफिनेटली। अब मुझे एक चीज बताओ, जो मेरे पिछले महीने बाकी रह गए थे, मतलब जिन पे काम तो शुरू हो चुका था लेकिन खत्म नहीं हुआ था, जिसे हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, तो मुझे एक चीज बताओ, जो पिछले महीने का क्लोजिंग WIP था वो इस महीने का ओपनिंग WIP हो जाएगा क्या? और जो पिछले महीने का ओपनिंग WIP था, जो सॉरी, इस महीने का जो ओपनिंग WIP है, पिछले महीने का क्लोजिंग WIP जो था, जो पिछले महीने का क्लोजिंग था, क्या वो इस महीने ओपनिंग होगा? यस। अब वो जो ओपनिंग है, क्या वो इस बार फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा क्या? अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को 1 जनवरी को, अगर मैं ये कह रहा हूं, मैंने पिछले साल 31 दिसंबर को कोई शर्ट का था जो आधा कटावा पड़ा था, उसमें बटन्स लगने बाकी थे, क्या वो मेरे इस साल में वो शर्ट बन जाएगा क्या? आंसर इज यस। तो बन जाएगा तो क्या वो मेरा प्रोडक्शन के अंदर हिस्सा हो जाएगा क्या? आंसर इज अगेन यस। तो मैंने कहा भाई फिर यस यस बोले जा रहे हो तो फिर सुन लो फिर। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ? सर आप कॉस्ट निकालना चाह रहे हो, किसकी निकालना चाहता हूँ? मैंने कहा जो आपने माल बेचा उसकी निकालना चाहते हो, तो जो माल मैंने बेचा उसकी मैं निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? पहले मैं निकालूंगा मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट, की जितना मैंने कितना माल प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्ट निकालूंगा, और ये पूरा माल कितना प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट निकालने के बाद मैं देख लूंगा कि कितना माल तो बिका और कितना रह गया। ठीक है, तो अभी तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मेरे टोटल फिनिश्ड गुड्स बताऊंगा कि टोटल मैंने कितनी यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स की तैयार कर ली है। तो भैया कितनी यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स की तैयार की है कैसे पता चलेगा? सर इस साल के प्रोडक्शन के अंदर आप पिछले साल का प्रोडक्शन भी ऐड करो सर। मैंने कहा ओके, तो पिछले साल का जो क्लोजिंग WIP था वो इस साल का क्या है? वो इस साल का क्या है? ओपनिंग। तो ओपनिंग WIP जो पिछले साल से उठ के मेरे पास आया, ओपनिंग WIP, WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, भैया किसी को नहीं आता हो तो वर्क इन प्रोग्रेस लिख लेना। तो ओपनिंग WIP मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इस साल के एंड में ऐसे नहीं होगा कि हमारे कुछ शर्ट WIP रह जाएं? कुछ शर्ट हमारे इस साल भी ऐसे रहेंगे जो कि काम चलता रह गया लेकिन वो फिनिश गुड्स नहीं बन पाए। तो फिनिश गुड्स नहीं बन पाए तो इसका मतलब सर फिनिश गुड्स की टोटल अगर आप कर रहे हो तो आपको यहाँ से लेस कर देना है, क्योंकि ये आइटम हमारे फिनिश गुड्स में तब्दील नहीं हो पाए। तो जो आइटम फिनिश गुड्स में तब्दील नहीं हो पाए उनको हमने लेस कर दिया, उनको हमने लेस कर दिया। तो अब मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई, मैंने मेरी फैक्ट्री के अंदर से जो भी काम कर सकता था वो मैंने सारे करके दे दिया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? सॉरी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने किया कि भैया जितना भी मेरा मटेरियल, जितना भी मेरा ओपनिंग WIP था उसको मैंने फिनिश गुड्स बना दिया, और जो क्लोजिंग WIP था वो तो फिनिश गुड्स बना ही नहीं ना, वो तो फिनिश गुड्स बना नहीं, तो फिनिश गुड्स नहीं बना तो भैया उसको हटाओ उसको। अब जो इस बार का क्लोजिंग WIP है वो अगले साल फिनिश गुड्स बनेगा तो अगले साल जुट जाएगा, इस बार का जो क्लोजिंग WIP है वो अगले साल ओपनिंग होगा और वो अगले साल फिनिश गुड्स बन जाएगा तो अगले साल जुट जाएगा, लेकिन इस साल तो नहीं बनेगा ना। तो इस साल नहीं बनेगा तो क्या करें, इस साल लेस कर दो। लेस किया तो बच्चा पार्टी अब क्या करेंगे? सर इसको लेस करने के बाद सारी फैक्ट्री के अंदर जो भी काम कर सकते थे, क्योंकि आपने WIP को भी तो फैक्ट्री में बनाया होगा, तो ये आपकी आ जाएगी और इसे हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? फैक्ट्री कॉस्ट। अगर आप लोग कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि समझते समझते आप लोग कॉपी करना चाहें
तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ऑल दो डोंट वरी, मैं आपको एंड में, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, क्या जिन्होंने कॉपी नहीं किया वो वीडियो को पॉज करें और कॉपी कर लें, सिंपल है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं होने का यही भी तो फायदा है ना, तो वो पॉज करके कॉपी कर लेना अगर किसी ने कॉपी साथ के साथ नहीं किया तो। अब ये हो गया फैक्ट्री। अब मुझे बताओ क्या ये माल कौन सा, ये यहां से जो मैंने इसके अंदर डाले जा रहा था इसमें मेरा फैक्ट्री, इस माल के अंदर पता है क्या क्या है, यहां पर मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल है, यहां पर मेरा डायरेक्ट लेबर है, यहां पर मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, यहां पर मेरा सारी फैक्ट्री के ओवरहेड्स आ गए। तो अब क्या मेरा सब कुछ माल तैयार है, क्या मेरा सब कुछ माल तैयार है क्या? यस सर, सब कुछ माल तैयार है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा कि भैया आप लोग ऑफिस वालों, और ए ऑफिस वालों, अब हमारा माल है तैयार, जैसे कि मैं, मेरी क्लास तैयार है। अब मैं क्या करूंगा अकाउंटेंट को कि भैया अब सुन ले, अब एक्टिव हो जा, मैनेजर तू भी एक्टिव हो जा, अब माल को अपने को फटाफट से सारी सबको सिस्टम कर लिया अपन ने, अब अपने को पूरा कि हाँ भैया कॉस्ट कैसे निकली, अकाउंटिंग करो इसकी, ऑडिटिंग करो, कैसे कैसे क्या क्या सब कुछ हुआ। तो क्या अब किसका काम चालू हो गया, फैक्ट्री का काम खत्म तो ऑफिस का काम शुरू, फैक्ट्री का काम खत्म तो काम शुरू ऑफिस का। तब तक हम पानी पी लेते हैं, जस्ट ए मिनट, चेक कर लीजिएगा एक बार। खुद के जितनी बड़ी बोतल रखते हो सर आप? मैंने कहा हाँ भाई, इससे कम से काम नहीं चलता, ठीक है ना। तो अब ऑफिस का काम चालू हो जाएगा। तो भैया ये लो, फैक्ट्री कॉस्ट में अगर मैं, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर अगर दोस्तों मैं ऐड कर दूंगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को, किसको बेटा लोग, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जिसे हम लोग ऑफिस एक्सपेंस के नाम से भी जानते हैं, और ऑफिस एक्सपेंस या ऑफिस ओवरहेड भी कर सकते हो, ऑफिस एक्सपेंस या ऑफिस एक्स, आपका ऑफिस एक्सपेंस, या आप लोग इसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के नाम से जानेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जुड़ गई, आपकी ऑफिस एक्सपेंस जुड़ गए। सर इसमें भी क्या ओपनिंग क्लोजिंग होते हैं? मैंने कहा आप बताओ क्या ओपनिंग क्लोजिंग होता है क्या यहां पर? सर यहां पर तो नहीं होता ऑफिस में। तो मैंने कहा भाई इसको इसको ऐड कर दिया, तो अब मुझे बताओ क्या वो सभी खर्चे ले लिए क्या मैंने जो मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड थे, फैक्ट्री से रिलेटेड थे, वो सारे आ गए। ऑफिस के अंदर जो मेरा सारा खर्चा था वो मैंने ले लिया। अब इसके बाद तो अब मेरा खर्चा क्या है, बस बेचने से रिलेटेड बचा है मेरे पास। अब जो खर्चा लगेगा वो तो केवल मेरा बेचने से रिलेटेड लगेगा। तो अब भैया इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोलूंगा बच्चा पार्टी, इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोड। सर कलर तो दूसरा ले लो, मैंने कहा कलर तो कोई टेंशन नहीं, आप कलर की आप चिंता मत करो, कलर मैं ब्लू कर दूंगा इसको। सर कैसे करोगे? मैंने कहा रंग भर दूंगा इसमें, जिंदगी में रंग भर रहे हैं अभी तो ये तो क्या चीज़ है भाई, ये लो ये टंक टक टक टक, ये एडिट प्रॉपर्टीज, ये कलर, और ये लो ये कलर, ये लो हो गया ब्लू कलर। अरे अपन लोगों की जिंदगी में कलर भर रहे हैं यहाँ तो, यहाँ पे कलर भरने की बात थी, छोटी सी चीज थी। ये लो जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब एक चीज मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसका आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस साल बनी हुई सारी यूनिट्स का आ गया। किसका आ गया? इस साल बनी हुई सारी यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब क्या जितनी यूनिट्स बनी है क्या सारी की सारी बिक जाएंगी? मुझे एक चीज बताओ, क्या जितनी यूनिट्स बनी है वो सारी की सारी बिक जाएंगी क्या? आंसर इज नो, सारी की सारी नहीं बिकेंगी। तो क्या होगा सर? यहां पर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया टोटल फिनिश गुड्स का, लेकिन सर कुछ यूनिट्स ऐसी होंगी जो पिछले साल बन गई थी, जो पिछले साल बन चुकी थी, मतलब उन पे सारा खर्चा पिछले साल लग चुका था लेकिन बिकी नहीं थी, पिछले साल बन चुकी थी लेकिन बिकी नहीं थी, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऑफ प्रीवियस ईयर, जो कि हमारे लिए क्या होगा? ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे जितनी यूनिट्स मैंने सेल करी है मुझे वो यूनिट निकालनी है,
तो मैं क्या करूंगा कि भैया देखो मैंने इस साल टोटल 10,000 यूनिट बनाई हैं, 10,000 यूनिट तो मैंने इस साल बनाई है, 2,000 यूनिट मेरी पिछले साल की क्लोजिंग पड़ी हुई थी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे पास टोटल फिनिश गुड्स जो है वो 12,000 यूनिट का है और उसमें से मेरी अनसोल्ड रह गई 1,000, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि मेरी टोटल 11,000 यूनिट बिकी हैं। मतलब कि 10,000 तो मैंने इस साल का प्रोडक्शन है, 2,000 यूनिट मेरी पिछले साल की प्रोडक्शन थी जो कि नहीं बिक पाई थी, पिछले साल की अनसोल्ड, तो पिछले साल की अनसोल्ड मतलब कि इस साल बेचेंगे, तो टोटल स्टॉक कितना अवेलेबल है, 2,000। मतलब कहने का मतलब सपोज से मैंने मेरी बुक बनाई 500 बुक बनाई, अभी मैंने 500 बुक का ऑर्डर दे दिया, 500 बुक का ऑर्डर दे दिया, लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने 500 बुक का ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि मेरे पास अभी स्टॉक में केवल 70-80 बुक ही बची है, तो 70-80 बुक ही मेरे को दिख रही है, तो मेरे पास 70-80 अभी भी है, तो मतलब सपोज से 80 बुक्स मेरे पास अभी है। मैं इस मंथ की सेल की बात करता हूँ क्योंकि रिजल्ट अभी आ चुके हैं। मैंने कहा कि इस महीने मैंने ये सोच के चला कि मैं 500 क्लासेस इस बार सेल कर दूंगा पेपर नंबर 8 की, तो 500 क्लास के हिसाब से मैंने 500 बुक बना ली, 80 बुक मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी, लेकिन मेरे को पता चलता है कि महीने के एंड पर मेरी 50 बुक स्टॉक में रह गई, 50 बुक स्टॉक में रह गई। इसका मतलब अब कोई मेरे से ही पूछा कि तो फिर बताओ आप कि आपके पूरे महीने में सेल कितनी हुई, मैंने कहा देखो 500 बुक तो मैंने नई बनवाई थी जो कि मेरा प्रोडक्शन है, 80 बुक मेरे पास ओपनिंग पड़ी थी, तो इसका मतलब टोटल मेरे पास 580 बुक थी, और 580 बुक में से अगर मेरे 50 क्लोजिंग रह भी गई तो मैं ये कह सकता हूँ कि 530 मेरी बिकी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 530 मेरी क्लास सेल हुई है, सोल्ड हुई है, तो 530 मेरी क्लास सेल हुई है। कैसे निकाला सर? प्रोडक्शन के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े हैं, तो इसी तरह से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस हो जाएगा। अब मुझे ये समझ में आ गया कि भैया ये लेस हो गया। अब मुझे आप खुद बताओ क्या ये जो मेरे पास बचा, ये जो मेरे पास बचा ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या? मतलब जो गुड्स मैं सेल करने जा रहा हूं क्या ये उसकी कॉस्ट है क्या? क्यों? क्योंकि मैंने प्रोडक्शन के अंदर से जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको तो लेस कर दिया, प्रोडक्शन था 580 मेरे पास ओपनिंग थी, तो टोटल 580, इसमें से 50 मैंने क्लोजिंग को हटा दिया, तो 530 मेरी बिकी ना, तो उस 530 की कॉस्ट को मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलूंगा बच्चा लोग? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मुझे एक चीज बताओ सर, फैक्ट्री के खर्चे ले लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे ले लिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के तो अभी तक लिए ही नहीं। तो मैंने कहा अभी तक नहीं लिए लेकिन अब ले लूंगा, अभी तक नहीं लिए लेकिन अब ले लूंगा। कैसे ले लोगे? मैंने कहा अभी तो जाके मेरे को पता लगा है कि मेरे को टोटल 530 किताबें बेची हैं, मेरे को टोटल 530 बेचनी है, मुझे अभी तो पता चला है। क्यों? 500 थी, 80 ओपनिंग थी, 580, इसमें से 50 मेरे को क्लोजिंग रखनी है, तो इसका मतलब 530 मुझे बेचनी है, तो इस 530 को बेचने के कारण से मेरे को जो भी खर्चा करना पड़ रहा है क्या वो खर्चा अब लूंगा क्या? यस, उसे अब लूंगा, और उसे अगर मैं अब ऐड कर दूंगा तो क्या वो मेरा क्या खर्चा कहलाएगा? सेलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा क्या है बच्चा लोग? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की ओवर कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोल दो या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोल दो, एक ही बात है। तो अगर मैं इसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को अगर मैं ले लूंगा, अब मुझे एक चीज बताओ क्या अब कोई खर्चा बचा है क्या? नहीं सर, अब तो सब कुछ ले लिया, अब कितने खर्चे लिए जाओगे? तो अब खर्चे आपको पता है कि भैया ये देखो, ये आपकी ड्राइंग भी डिलीट हो गई और ये एग्जाम्पल जो आपने दिए थे ये भी डिलीट हो गए, तो मैंने यहां पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे खर्चे आपके ऐड कर लिए, ठीक है? ये हो गया, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऐड करते ही,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करते ही मेरे पास अमाउंट आ जाएगा, और उस अमाउंट को मैं क्या बोलूंगा, अभी तक तो क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी तक तो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि क्या था, वो गुड्स की कॉस्ट जो कि सेल किया गया है उसकी गुड्स की कॉस्ट थी, अब क्या होगा, अब मैंने उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी जोड़ दिया, तो ये मेरी हो जाएगी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल, कि जो मैंने सेल किया है ना उसकी पूरी सेल की कॉस्ट आ गई सारी। अब ये सारी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास है, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल में से मैं यहां पर लिख दूं आपको सेल्स, यहां पे आपको लिख दूं मैं सेल्स, तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल अगर आपकी है, सेल्स आपके पास है, तो क्या आपके पास प्लस प्रॉफिट हो जाएगा क्या? और प्रॉफिट कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से। कैसे आएगा बच्चा लोग, बैलेंसिंग फिगर से आ गया। इस तरह से ये जो स्टेटमेंट हमारा होता है, ये होता है हमारा कंप्लीट। इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दिया है हम लोगों ने। आप लोग इस स्टेटमेंट को कॉपी करना चाहेंगे, मैं आप लोगों के लिए फुल स्क्रीन पे कर देता हूं फटाफट से, 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास, इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा, और ये लीजिए आप लोगों के लिए समय शुरू होता है अब, फटाफट से कॉपी कीजिएगा गाइस। ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम है भैया, ध्यान रखना, डीएम मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डीएल मतलब डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। कहां पे बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान से रखना, ये ध्यान से कॉपी करना। आई होप सो यहां तक कॉपी कर लिया होगा, नहीं कॉपी किया तो भैया फिर पॉज करना और कॉपी करना। अब आगे का कॉपी कर लो फटाफट, आगे का फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। चलिए आई होप सो यहां तक सबने कॉपी कर लिया होगा, और ये भी फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पूरा कॉपी हो गया होगा आप लोगों का, है ना, हो गया, तो फिर चलो। अब भैया ये तो रहा कॉस्ट शीट, अब इस कॉस्ट शीट के अंदर मैं इसकी नॉर्मल सी एक डेफिनेशन तो लिखे कि कॉस्ट शीट होता क्या है। तो भैया मैं टाइम नहीं दूंगा लिखने का, ऑल दो मैं लिख लिख के बोल बोल के लिखवाऊंगा, तो अभी हमारी क्लास, ओ आज तो टाइम है, खूब है, कोई दिक्कत नहीं है, आज हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना है, फटाफट फटाफट जैसे जैसे मैं बोलूँ फटाफट फटाफट लिखते हुए भी चले। तो यहाँ पर आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे या मीनिंग लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, कॉस्ट शीट, फटाफट से लिखते हुए चलिएगा, कॉस्ट शीट इज ए डिटेल्ड स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट इज ए डिटेल्ड स्टेटमेंट। आप सब लोगों को पता चल गया होगा डिटेल्ड स्टेटमेंट है किस चीज का है, लेकिन ये डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स, ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, of the all elements of the cost in a systematic and logical, systematic and logical
order systematic and under systematic and logical order under different heads, जो भी आपके different heads कि यहाँ पे factory है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है. The cost has to be measured. Cost has to be measured. आपने किया क्या भैया, सबसे पहले तो इनको fixed factory में administration में उसमें किया है, फिर उसके बाद में इस कॉस्ट ऑफ सेल को हम लोग यूनिट वाइज भी निकाल देंगे कि हाँ भैया पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है एंड सो ऑन. तो कॉस्ट हैज टू बी मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू द कॉस्ट कॉस्ट हैज टू बी मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू द कॉस्ट सेंटर विद रेस्पेक्ट टू द कॉस्ट सेंटर. सबसे पहले कॉस्ट सेंटर के हिसाब से बांटेंगे, कॉस्ट सेंटर फर्स्ट एंड देन विद रेस्पेक्ट टू. अब कैसे भी निकाल दो भैया, यूनिट्स के हिसाब से निकालोगे तो यूनिट कॉस्टिंग कहला देगा आपका, जॉब के हिसाब से निकालोगे तो जॉब कॉस्टिंग कहला देगा, और अगर बैच के हिसाब से निकालोगे तो बैच कॉस्टिंग कहला देगा. सर ये क्या होता है जॉब और बैच? मैंने कहा वैसे आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं. कई बार क्या होता है ना, आपको पर्टिकुलर जॉब असाइन हुआ कि हाँ भैया आपने बैच कॉस्टिंग, तो क्या होती है ना जब प्रोडक्शन आपका बैच में होता है, जैसे कि आप लोगों ने कभी बेकरी में देखा है, बेकरी के अंदर पेटीज बनते हुए, सर खाने की एग्जाम्पल आते हैं क्या आपके पास? दिख रहा है सर तभी आपके हालात. तो भैया पेटीज का नाम लेते ही लालच. चलो, तो वहां पे क्या रहता है ना, वो एक प्लेट या ट्रे टाइप रहता है, उस ट्रे में वो जो पूरा उसका उनका पूरा जो रहता है ना, मतलब जो भी मैदा वगैरह से जिससे भी वो बनाते हैं, मैदा जिसके अंदर मसाला वसाला डाल के वो ट्रे को अंदर डाल देते हैं, और उस ट्रे में एक साथ वो अंदर हीट होती है, और अंदर हीट से वो आपकी बेक होके बाहर आ जाता है. वहां पर क्या होता है, उस ट्रे के अंदर 50 या 100 आपकी पेटीज जाती है एक ट्रे में. तो ये क्या बोलते हैं, यहां पर एक बैच में 50 बन रही है, तो ये यूनिट कॉस्टिंग से निकलेगा कि बैच कॉस्टिंग से निकलेगा? आंसर इज यूनिट से तो निकल ही नहीं देगा. क्यों? क्योंकि यहां पे 50 यूनिट का एक बैच है, तो आपको यहां पर बैच कॉस्टिंग बनानी है कि कितने बैच अंदर बाहर, कितने बैच अंदर बाहर. जॉब कॉस्टिंग क्या है, आज सपोज से मैंने मेरी बुक के लिए 50 बुक के लिए ऑर्डर दिया. मैंने कहा भैया एक काम करो, हमारी बुक में आरटीपी एमटीपी सब कुछ है, तो मैंने किसी टाइपिस्ट को एक जॉब दिया कि भैया मेरे लिए है ना, मेरी जॉब है आपके लिए कि आप मेरे लिए ये बुक को टाइप करके दोगे. मैंने उसको जॉब दिया, तो अगर मैं जॉब के लिए निकाल रहा हूँ तो जॉब कॉस्टिंग, अगर मैं पर्टिकुलर एक किसी यूनिट के लिए निकाल रहा हूँ तो यूनिट कॉस्टिंग, और अगर मैं किसी बैच के लिए निकाल रहा हूँ तो बैच कॉस्टिंग. सर ये कॉस्ट शीट क्या है? सर इससे हमें एक चीज समझ में आ गई, सर आपने ओपनिंग तो ऐड किए हैं, क्लोजिंग को लेस किया है. क्लोजिंग को लेस इसलिए किया मैंने बच्चा लोग, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट शीट होती है ना, वो आपकी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है. क्या होती है? एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है, तो जो क्लोजिंग है वो तो इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए लगा है. उसमें बेशक उस पर हमने कॉस्ट खर्च किया होगा, बेशक हमने उसके ऊपर कॉस्ट खर्चा हमारा रहा होगा, कॉस्ट का खर्चा हमारा लगा होगा, लेकिन उसको हम रिकवर कब करेंगे? जब उसको बेचेंगे. और बेचेंगे कब? हम नेक्स्ट पीरियड में. तो ये यहाँ पर जो पूरा कॉस्ट शीट है वो हम लोग केवल और केवल किसके बेसिस पे बना रहे हैं, कि वो सभी यूनिट जो कि हमने इस साल बेची हैं या इस पर्टिकुलर पीरियड में बेची हैं वो क्यों है. तो इसको आप लोग इसको भी लिख लेंगे, कोर्स शीट इज प्रिपेयर्ड ऑफ टाइम. कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम फॉर ए कॉस्ट किसी यूनिट के लिए, अगेन किसी यूनिट के लिए,
किसी जॉब के लिए एंड बैच के लिए, तो ये आपका रहता है। अब मुझे कुछ एक खर्चे ऐसे हैं, कुछ एक खर्चे दोस्तों ऐसे हैं जिन्हें हम लोग हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में डील नहीं करते हैं। क्या कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बेशक बेशक हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग उनको डील करते हैं, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जिन्हें हम लोग हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं मानते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लेते हैं, तो ऐसे खर्चों का क्या करेंगे? मैंने कहा ऐसे खर्चों को हम लोग कॉस्ट शीट में नहीं लेंगे। कॉस्ट शीट में नहीं लेंगे तो हमारे लिए वो कहां जाएंगे भैया? उनको आप ना अलग से आपके पीएनएल के अंदर जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग करो ना उसमें काम में लेना। हम तो कॉस्ट अकाउंटेंट है, हम जानते ही नहीं है। तो ऐसे खर्चे कौन से हैं? तो नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखेंगे। और हाँ, शायद आप लोगों ने कॉपी नहीं किया हो तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए फुल स्क्रीन पे मैंने ये कर दिया है, ये आप लोग कॉपी करना चाहें कॉपी कर लीजिएगा भैया फटाफट से, लेकिन फटाफट से कॉपी करेंगे, फटाफट से कॉपी कीजिएगा। और फटाफट से कॉपी जिन्होंने नहीं किया ना उनके लिए कुछ नहीं है, वो लोग पॉज करके कॉपी कर लेगा। चलिए, तो अब हमारे पास कॉस्ट आइटम्स नॉट इंक्लूडेड, कॉस्ट आइटम्स नॉट इंक्लूडेड, या कॉस्ट आइटम्स नहीं बोलूंगा मैं इनको, मैं इनको एक्सपेंसेस बोलूंगा, मैं इनको कॉस्ट आइटम्स नहीं बोलूंगा, मैं इनको एक्सपेंसेस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट ऑब्लिक कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कॉस्ट शीट में नहीं आ रहा इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। ये मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है, हेडिंग है तो हेडिंग है, तो हेडिंग को हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए, चलिए कौन कौन से हैं ऐसे? सबसे पहला प्रोविजन फॉर, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोविजन आया भैया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाया, बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाया, लेकिन बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, बैड डेट्स का प्रोविजन जो है वो एक्सक्लूडेड है, बट बैड डेट्स विल कवर या विल इंक्लूडेड, कहाँ इंक्लूड होना चाहिए बैड डेट्स? आप लोगों के हिसाब से बैड डेट्स कहाँ होना चाहिए? क्या सेल्स से रिलेटेड है? तो सेल्स से रिलेटेड है, तो सेल्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिया जाता है, लेकिन बैड डेट्स को लिया जाता है इंक्लूडेड, आप लोग भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक्सक्लूड नहीं है, इस चीज को गलती मत कर देना। बैड डेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं होता। दूसरा, किसी भी प्रकार का डोनेशन। तीसरा, किसी भी प्रकार का डिस्काउंट, मतलब सेल्स पे जो डिस्काउंट देते हैं अपन, चाहे वो कैश डिस्काउंट हो चाहे आपका ट्रेड डिस्काउंट हो। सर ये क्यों नहीं लिया? मैंने कहा बच्चों ये यहां पर जो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट है इनका, ये आपके बेसिकली कलेक्शंस के लिए, डेटर्स के कलेक्शंस के लिए आप लोगों को इंक्लूड किया जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको डिस्काउंट को यहां से एक्सक्लूड कर दिया है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। और रही बात ट्रेड डिस्काउंट की, तो ट्रेड डिस्काउंट तो वो होता है जो कि नेट सेल, तो उसको हम लोगों को वैसे ही ऑलरेडी हम लोग क्योंकि जो सेल्स लेते हैं
तो वो ऑलरेडी हमारा उसके अंदर सेल्स का फिगर ही वही पकड़ते हैं, तो ऑलरेडी वैसे वो ट्रेड डिस्काउंट हमारा सेल्स के फिगर में ऑलरेडी कवर अप होता है। तो इसलिए मैंने, आप लोग चाहें तो यहाँ पर इसको कैश डिस्काउंट भी कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ पर आप लोग इसको केवल और केवल कैश डिस्काउंट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया चौथा, मतलब फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है भैया, किसी भी तरह के फाइनेंशियल चार्जेस, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना इंटरेस्ट ऑन लोन्स, कि किसी लोन के ऊपर इंटरेस्ट इंटरेस्ट गया, अब गया होगा आपका फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कॉस्ट है वो, दैट्स फाइनेंशियल कॉस्ट, दैट्स विल नॉट कवर अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कल को हमने यही लोन, बट इफ लोन फॉर एनी स्पेसिफिक मशीन, अगर आपको ये पता है कि किस मशीन के लिए लिया है, बट लोन फॉर स्पेसिफिक मशीन, देन इंक्लूडेड, अब इंक्लूड कहाँ होना चाहिए मशीन का, आप बताओ, देन इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड, तो वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके खर्चे हो गए। इसके अलावा आप लोग चाहें तो प्रोविजन फॉर टैक्सेस भी ले सकते हैं, टैक्स के भी खर्चे सारे आ सकते हैं, वो सारे के सारे खर्चे टैक्स वगैरह के वो भी यहां पर इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, एक और कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट स्टार मार्क करके लिखिएगा, यहां तक का ये लिख लिया है ना, या स्क्रीन बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप सो, बहुत बड़ा था नहीं तो लिख लिया होगा। अब स्टार मार्क करके लिखेंगे, और स्टार मार्क करके क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप लोग इसको हम लोग बोलेंगे इफ देर इज एनी पैकिंग कॉस्ट, इफ देर इज एनी पैकिंग कॉस्ट, पैक करने का खर्चा भैया, पैकिंग कॉस्ट, इफ देर इज एनी पैकिंग कॉस्ट, देन वी विल हैव टू आइडेंटिफाई, या वी विल हैव टू ट्रीट, वी विल हैव टू ट्रीट ऑन द बेसिस ऑफ, वी विल हैव टू ट्रीट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पैकिंग, टाइप ऑफ पैकिंग, दैट इज फर्स्ट ए पॉइंट लिखेंगे, इफ पैकिंग इज प्राइमरी, इफ पैकिंग इज प्राइमरी पैकिंग, इफ पैकिंग इज प्राइमरी पैकिंग, दैट मीन्स मैंडेटरी, दैट मीन्स मैंडेटरी पैकिंग, दैट मीन्स मैंडेटरी पैकिंग, फॉर एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे, जैसे आप लोगों ने देखा है दूध, आप लोगों के पास दूध आता है घर पे, मतलब थैली वाला, तो जो पॉलीथीन होती है ना, आई थिंक पॉलीथीन की स्पेलिंग यही होती होगी, नहीं होती है तो आप भैया आप अपने हिसाब से लिख लेना पॉलीथीन की स्पेलिंग क्या होती है, जो भी है, पॉलीथीन फॉर मिल्क पैकिंग। अब दूध को पैक करना है, अब ऑब्वियस ही बात है कि किसी को कटोरे में तो दूध दोगे नहीं ना, कोई आदमी आया डेयरी के ऊपर आकर के कहता है साहब आधे किलो दूध दे दो, तो कहता है दूध के लिए लाया कुछ कटोरा वटोरा, कुछ जग वग कुछ लेके आए हो जिसमें दूध लेके जाओगे, ऐसा बोलता है नहीं, वो आपको एक पॉलीथीन के अंदर उसकी पैकिंग रहती है, हाफ के जी, हाफ लीटर की, वन लीटर की, टू लीटर की, फाइव लीटर की, तो आपको वैसे प्रोवाइड कर देता है। तो इफ पैकिंग इज प्राइमरी पैकिंग,
अगर जो पैकिंग है प्राइमरी पैकिंग है दैट मीन्स मैंडेटरी पैकिंग, देन 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 इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हैंस इट विल एडेड, कहां पे आएगा पता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मतलब इसका पार्ट बनेगा तो यहां पर आएगा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। सॉरी, तो यहां पर आ जाएगा प्राइमरी पैकिंग। लेकिन तो ये हो जाएगा हैंस इट विल बी एडेड बिफोर या इट विल बी एडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इट विल बी एडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे होंगे देन इट विल बी एडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपके ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड हो जाएगा। बी पॉइंट, इफ पैकिंग इज सेकेंडरी दैट मीन्स नॉट मैंडेटरी फॉर, इफ पैकिंग इज सेकेंडरी दैट मीन्स नॉट मैंडेटरी फॉर प्रोडक्शन, दैट मीन्स नॉट मैंडेटरी फॉर प्रोडक्शन, देन इट विल बी एडेड, देन इट विल बी एडेड इन सेलिंग ओवरहेड। तो ये आपका सेलिंग ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा। तो ये आपके लिए सेलिंग ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा। और कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पर इस जगह पर ऐड हो जाएगा, ठीक है? दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर ऐड होगा भैया, अब तो दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। तो ये यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है? तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड हो जाएगा, ठीक है? दैट्स ऑल। नोट्स के लिए यहाँ तक कंप्लीट है। आप लोग चाहें तो एक बार कॉपी कर सकते हैं, फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ। आज हमारे पास अभी है समय कि हम लोग हमारे 5-6 क्वेश्चन कवर अप करेंगे, हमारा पूरा है। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी हमको। चलिए तो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन सीट, और अब हम लोग हमारे क्वेश्चंस भी देखेंगे सो दैट आप लोगों को आइडिया हो जाए। चलिए तो यहाँ पर ये सारे मैंने स्टार मार्क लगा रखे थे। आपको पता है कि इस चैप्टर की वेटेज 8 नंबर, इनडायरेक्ट वेटेज भी इस क्वेश्चन की है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बता दूं, आपके रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आएगा, आप लोगों के बुक जो आपका बुक कीपिंग वाला चैप्टर है ना, बुक कीपिंग वाला जो चैप्टर है उसके अंदर इसका इनडायरेक्ट यूज होगा, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आपको रिकनसाइल करना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंस थे ना, ये कौन से डिफरेंस? वो सारे आइटम्स जो कि कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं थे, जिनके कारण से कॉस्ट का प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट डिफरेंट आएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो इन दोनों को वहां पर कंसिडर करना है और इनको इनसे रिकनसाइल करके उनको बताना है, दैट्स ऑल। ये चीज हम लोग सबसे एंड में करेंगे, सबसे एंड में, ठीक है ना? अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सबसे पहले तो सोर्स देखो, ये क्वेश्चन आया कहां से। तो भैया ये क्वेश्चन है जून 2019 का, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और जून 2019 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? विपुल लिमिटेड सबमिट्स दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2019 को दे रखी है इंफॉर्मेशन। क्या दे रखा है? सेल्स फॉर द ईयर 55 लाख, परचेजेस ऑफ मटेरियल दे रखा है 22 लाख, डायरेक्ट लेबर दे रखे है 13 लाख, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग दे रखा है फिनिश गुड्स का, WIP का, मटेरियल का भी दे रखा है इन्वेंट्री बिगनिंग में और एंड में,
इन्वेंट्री एट द एंड भी दे रखा है आपको फिनिश गुड्स का और डब्ल्यू आई पी का, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले ये देखो, देखो मटेरियल से रिलेटेड आपको यहाँ पे परचेजेस दे रखे हैं, यहाँ पे मटेरियल के रिलेटेड परचेजेस दे रखी है, ये आपका इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की ये दे रखी है, और ये आपका मटेरियल से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग प्लस क्लोज, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा है, और ये आपके लिए स्टॉक है, यहाँ पे स्टॉक है किसका, आपका ओपनिंग दे रखा है, तो ये है आपके लिए ओपनिंग स्टॉक, ये यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है आपको क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ दे रखा है आपको मटेरियल जो कि है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ, ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा है, क्लियर है। अब इसके अलावा आगे आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड वर 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मतलब कि फैक्ट्री का जो कॉस्ट है ना वो फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट लेबर का 60% है, और डायरेक्ट लेबर कितना है भैया, ये डायरेक्ट लेबर ये रहा 13 लाख का 60% है, तो 13 लाख का 60% है, तो आपको मैं कह सकता हूं कि ये 7,80,000 रुपए का मेरा, 7,80,000 रुपए का मेरा फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन एक्सपेंस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस वाज 5% ऑफ सेल्स, सेल्स कितनी दे रखी है ये री 55 लाख की सेल्स दे रखी है, उसका 6% आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 10% ऑफ द सेल्स, क्या मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है क्या, यस सर है, तो है तो अब क्या करना है, मैंने कहा सर आप तो निकाल लो अपनी बुक, और मैंने कहा बच्चों आप लोग निकाल लो अपनी बुक, ठीक है ना, तो आप लोग निकालेंगे अपनी बुक, मैं निकालूंगा मेरी बुक, तो मैंने मेरी बुक निकाल ली है, और मेरी बुक के अंदर मैंने निकाल लिया है पेज नंबर 7.2 पर है क्वेश्चन, आप लोग भी निकाल लीजिएगा, और हम लोग करने वाले हैं अब इसका सॉल्यूशन, आ जाइएगा, तो जय भोले बाबा की, क्योंकि हम लोग भोले के भक्त हैं, तो जय भोले की, तो जय भोले की अपने, और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोस्ट शीट, और कोस्ट शीट का क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, क्यों, क्योंकि यहां से हम लोग इजी से लेकर के थोड़ा लेंदी एंड हार्ड की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भैया, क्या बनाना है, कोस्ट शीट आपको बनानी है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कोस्ट शीट विद ऑल एलिमेंट्स, हाँ भाई नहीं बोलेगा तो भी ऑल एलिमेंट्स के साथ ही बनाते, तो भैया सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं ऊपर कोस्ट शीट, क्या बना रहे हैं कोस्ट शीट, अब मुझे एक चीज बताओ क्या यहाँ पे मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग वगैरह की डिटेल दी रखी है क्या, यस सर दे रखी है, तो दे रखी है तो भाई उसके बारे में भी कुछ लिख लेंगे, तब तक आपके लिए मैं लाइन वगैरह खींच के तैयार कर लेता हूँ आगे तक का पूरा जुगाड़, देखो अब यहां पर क्या है, ये तो आ गया आपके लिए पर्टिकुलर्स, और ये आ गया आपका अमाउंट, ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आप मुझे देख के बताओ फटाफट से कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दे रखा है, सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है आपको मटेरियल इन्वेंटरी के अंदर एट द बिगनिंग 60,000, मैंने कहा ठीक है 60,000, आप मुझे फटाफट से देख के बताओ परचेजेस कितनी दे रखी है, सर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको दे रखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सर क्वेश्चन में गिवन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 22 लाख, क्या कोई सेल्स आपकी परचेज रिटर्न है क्या, सर नहीं, तो 22 लाख रुपए की परचेज हो गई, अगर परचेज रिटर्न होती तो नेट ऑफ परचेज ले लेते या फिर परचेज रिटर्न को लेस करके दिखा देते, फिर इसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का वो तो हमारा कंज्यूम हुआ ही नहीं ना इस साल, और हमारे को आपको मैंने लिखाया था अभी अभी कि कोस्ट शीट जो है वो हमारे लिए कोस्ट शीट क्या है, पर्टिकुलर किसी पीरियड के लिए रहती है, कहां लिखवाया था देखो ध्यान से, कहां लिखवाया था, यहां पर लिखवाया था, यहां पर मैंने लिखाया था पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, तो भैया क्लोजिंग स्टॉक तो इस साल लगा ही नहीं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक इस साल नहीं लगाया तो लेस कर देंगे, कितना लगा था भाई मटेरियल की इन्वेंट्री 80,000 की, येलो भैया 80,000, अगर मैं ये कर दूंगा तो क्या मेरे पास और कोई खर्चा है, कोई
ऐसा एंजिलरी कोई खर्चा जैसे कि अपना इंश्योरेंस, रास्ते का कोई फ्रेट वगैरह नहीं है सर? तो नहीं है तो क्या यही मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन आ जाएगा क्या? क्या मैं इसको डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन बोल दूंगा क्या? यस सर बोल दोगे तो बोल दूंगा। तो भैया लिख दो, क्या हो रहा है, इतना जूम क्यों कर रहे हो भाई? तो डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन आ जाएगा। तो 22 लाख में से अगर मैं 60,000 ऐड कर देता हूँ तो 22 लाख 60,000, 80,000 लेस कर दूंगा तो आ जाएगा 21 लाख 80 हज़ार। ये तो आ गया भैया मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल। अगर मैं इसमें डायरेक्ट लेबर ऐड कर दूं कितनी है, 13 लाख। तो 13 लाख रुपए की मैंने डायरेक्ट लेबर ऐड कर दी। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है क्या? नो सर, सेल्स दे रखी थी, परचेजेस दे रखी है, डायरेक्ट लेबर दे रखे, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर दे रखा है, मटेरियल इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री एट द ईयर एंड दे रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए दे रखा। तो इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा तो क्या मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों का टोटल मेरे लिए क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा तो यही मेरे लिए प्राइम कॉस्ट हो जाएगी क्या? यस सर, यही आपके लिए प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। तो ये प्राइम कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर? 34,80,000। अब मुझे क्या ऐड करना है सर? अब आपको ऐड करना है इसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड। क्या ऐड करना है बच्चा पार्टी? सर इसमें आपको ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड आपका, फिक्स्ड ओवरहेड नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है? फैक्ट्री ओवरहेड है आपका एट द रेट 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो आपकी लेबर कितनी है? लेबर कॉस्ट दे रखे 13 लाख। तो ये आ जाएगा आपका 13 लाख का, 13 लाख का 60%, 13 लाख का 60% मतलब कि 7,80,000। क्या यही आ रहा है क्या? चेक कर लेना भैया, कहाँ गया कैलकुलेटर? हमारा तो कैलकुलेटर है नहीं, हमारा कैलकुलेटर तो हमसे दूर पड़ा है। तो 13 लाख का 60% बिल्कुल सही है, सही कैलकुलेट कर लिया मैंने। अगर मैं प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ दूंगा तो क्या ये मेरी वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी क्या? यस सर, ये आपकी वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। तो ये मेरी वर्क कॉस्ट आ गई, जो कि मेरे लिए कितनी हो जाएगी सर? ये आपके लिए हो जाएगी 34,80 + 7। सर कैलकुलेटर ले ही लो ना, मैंने कहा जस्ट ए मिनट गाइस, जस्ट वेट, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ मेरा, क्योंकि बिकॉज बिना कैलकुलेटर के लिए तो काम होगा नहीं, जस्ट वेट। तो मेरे पास आ गया कैलकुलेटर सर, उठ के तो दिखाई नहीं आपके, उठे भी थे, मैंने कहा यही तो जादू। 34,80,000 + 7,80,000, तो भैया 42,60,000 हो गया आपके लिए वर्क्स कॉस्ट। 42,60,000 आपके लिए होगी वर्क कॉस्ट, ठीक है। अब बच्चा मुझे एक चीज बताओ, क्या मेरा WIP आ गया क्या? WIP का ट्रीटमेंट मैंने कर दिया है क्या? क्यों? क्योंकि WIP इस पिछले साल का WIP इस साल क्या हुआ होगा? इस साल वो हुआ होगा फिनिश गुड्स। तो पिछले साल का मतलब कि पिछले साल का ओपनिंग क्लोजिंग जो रहा वो इस साल हमारे लिए ओपनिंग हुआ। तो जो ओपनिंग WIP है वो इस साल क्लोजिंग बना होगा, मतलब इस सॉरी जो इस साल का ओपनिंग WIP था वो इस साल फिनिश गुड्स बना होगा, और जो इस साल का क्लोजिंग रह गया वो तो अगले साल जाकर के बनेगा। तो अगले साल जाकर के बनेगा तो इस साल नहीं बनेगा, तो इस साल नहीं बनेगा तो लेस कर दो, जो इस साल बना उसको ऐड कर दो। तो ओपनिंग WIP कितना हो जाएगा? ओपनिंग WIP है सर 80,000, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 80,000। ओपनिंग है आपके लिए 80,000, और इसमें से आपके एक सेकंड कलर, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये हो गया आपके लिए 80,000। क्लोजिंग WIP दे रखा है आपको, इन्वेंट्री एट द ईयर एंड 1,60,000, तो 1,60,000 लेस हो जाएगा। तो 80,000 एड 160 लेस, तो इन शॉर्ट क्या मैं सीधा 80 लेस कर दूं क्या? लेस कर दो। तो 41 लाख, तो ये आ जाएगा आप लोगों के लिए 41,80,000। क्या आ जाएगा बच्चा लोग? 41,80,000। और इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलोगे सर आप फैक्ट्री कॉस्ट।
तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या करते हैं? सर फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ना आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करते हो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दूं तो मैंने कहा ये लो ऐड, ऐड करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में क्या दे रखा है? 5% ऑफ द सेल्स, और सेल्स कितनी दे रखी है? 55 लाख। तो 55 लाख और उसका 5%, तो 55 लाख का 5% रह जाएगा 2,75,000। तो 2,75,000 आपके लिए आ गई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब मुझे एक चीज बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी जोड़ कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो क्या मेरे लिए ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा क्या? कि जितना भी प्रोडक्शन मैंने इस साल किया उसका पूरा का पूरा आ गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। और वो कितना आ जाएगा? 41,80,000 प्लस 2,75,000, तो ये हो गया आपका 44,55,000। 44,55,000, ठीक है। अब क्या करूंगा? क्या मेरा फिनिश गुड्स का ट्रीटमेंट कर दिया गया? नो सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। लेकिन अब मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्या निकालूंगा? मैं लूंगा आपके लिए पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो इस साल ओपनिंग हो गया, और उस साल जो ओपनिंग हो गया वो इस साल बिक गया होगा। तो ओपनिंग स्टॉक किसका? फिनिश गुड्स का। और जो इस साल का क्लोजिंग है वो बिक नहीं पाएगा, वो तो अगले साल बिकेगा। जो क्लोजिंग स्टॉक में रह गया वो तो अगले साल बिकेगा। किसका? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और कितना दे रखा है आपके फिनिश गुड्स का? ओपनिंग दे रखा है 1,40,000 का, और क्लोजिंग आपको दे रखा है मेटेरियल इन्वेंट्री 1,20,000 का। तो अगर मैं इसको इसमें से लेस कर देता हूं तो क्या मेरे पास इन शॉर्ट 44,35,000 रह गया क्या? सर आप ना कैलकुलेटर यूज करो सर, गलती कर दोगे ना तो हमारी बैंड बजा दोगे आप। देखो रियल में गलती कर दिया ना, 44,35,000 नहीं 44,75,000। लेकिन चिंता मत करो, मेरे को पता चल जाएगा मेरी गलती कहाँ हुई है, क्योंकि इतनी बार क्वेश्चन करा चुके हैं, क्वेश्चन याद है कि कहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी। इस चीज़ के लिए आप चिंता ना करो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में मैंने अगर इसमें से फिनिश गुड्स का ट्रीटमेंट कर दिया तो क्या मेरे लिए ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी क्या? क्या ये मेरे लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा कि कितना गुड्स मैंने बेचा उसके लिए मेरी सोल्ड, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स की कॉस्ट। लेकिन अब इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? इसमें ऐड करूंगा दोस्तों मैं सेलिंग के खर्चे, बाकी रह गए। तो मेरे लिए सेलिंग ओवरहेड आ जाएगा, और सेलिंग ओवरहेड के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और उसके लिए क्वेश्चन ने दे रखा है 10% ऑफ द सेल। तो सेल्स कितनी है? 55 लाख, और उसका 10%। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 5,50,000 की, तो 5,50,000 की अगर मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी इसमें ऐड कर दिया दोस्तों, तो मुझे एक बार फटाफट से बताओ कि क्या मेरे पास, सर रेड पेन यूज करो आपकी बार, क्या ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई क्या? और कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई? 50,25,000 की कॉस्ट ऑफ सेल आ गई क्या? और अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल मेरे पास है और मेरे पास सेल्स मेरे पास है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे पास है और उसमें से सेल्स मेरे पास है जो कि है 55 लाख, तो क्या दोस्तों मुझे एक चीज बताइए आप, ये तो कुछ ज्यादा ही नीचे तक ले गया था क्या मैं? चलो तो फिर मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। ठीक है भैया, देखो कितनी कलाकारी है ना मेरे अंदर, आई एम सो टैलेंटेड यार, पर कसम से कभी घमंड नहीं किया अपने आप पे। तो ये सेल्स आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ, सेल्स आपके पास है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास है, तो क्या भैया बैलेंसिंग फिगर से मैं यहाँ पर प्रॉफिट ले लूंगा क्या? बैलेंसिंग फिगर से मेरा प्रॉफिट आ जाएगा क्या? तो बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट आ जाएगा मेरा -55 लाख
तो भैया आप 4,75,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया था और आपका आंसर भी आ चुका है। तो ये आपके लिए रहा भैया क्वेश्चन नंबर 5, आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया है, यहाँ पर आपको हर एक डिटेल दी हुई थी। कोर्स शीट का एक परफॉर्मा है जो कि मेरे को पूरा सिस्टमेटिकली पता है और सिस्टम से पता है। सबसे पहले मुझे प्राइम कोस्ट लेनी है, प्राइम कोस्ट के लिए मेरे को मेटेरियल, प्राइम कोस्ट के लिए मैंने आपको स्क्रीन पर मेरा मुँह देखने के लिए नहीं किया है, मैंने इसलिए किया है कि अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं किया हो तो आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप कॉपी भी करते रहना, मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा वापस एक बार से। तो क्या है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप लोगों को पता है मटेरियल, डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों क्यूमुलेटिवली मिला के कहलाते हैं प्राइम कॉस्ट। तीनों क्यूमुलेटिवली मिला के क्या कहलाएंगे, प्राइम कॉस्ट। अगर मैं इस प्राइम कॉस्ट में मेरा फैक्ट्री का ओवरहेड जोड़ दूंगा तो मेरे पास आएगी वर्क्स कॉस्ट, कि हाँ भैया आपने कितने वर्क कर लिया उसकी कॉस्ट। अब इसके बाद कुछ खर्चा ऐसा रहेगा जो कि मैंने पिछली बार कर दिया था ओपनिंग क्लोजिंग WIP, तो उसको मैं फिनिश कब करूंगा, इस साल करूंगा। तो मेरा वो गुड्स फिनिश गुड्स कब बनेगा, इस साल। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग WIP था वो इस साल का ओपनिंग WIP हो जाएगा, और इस बार का जो ओपनिंग WIP है वो इस बार का फिनिश गुड्स बन जाएगा। क्योंकि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरा शर्ट अगर पिछली बार का मेरा शर्ट कटा हुआ है तो मैं 1 तारीख को आकर के नया शर्ट बनाऊंगा कि जो कटा हुआ है उसी शर्ट को पहले सिलूंगा, तो पहले इस शर्ट को सिलूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरा फिनिश गुड्स हो जाएगा, लेकिन जो मैंने इस साल काट दिया वो तो अगले साल फिनिश गुड्स बनेगा ना, तो जो पिछले साल का काटा हुआ है वो इस साल बनेगा, तो इसलिए ऐड कर दो। और जो पिछले साल इस साल का है लेकिन इस साल पूरा कंप्लीट ही नहीं हो पाया, और जो कंप्लीट नहीं हो पाया तो क्लोजिंग रह गया, तो क्लोजिंग को लेस कर दो, उसको लेस कर दिया। इससे मेरी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, क्या आ गई बच्चा लोग, टोटल मेरी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब फैक्ट्री के बाद कौन से खर्चे बच गए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के, ऐड कर दो। तो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को आपने ऐड किया तो आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हाँ भाई टोटल प्रोडक्शन के अंदर कितना खर्चा लगा वो आ गया। अब लेकिन क्या होगा, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल द फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, टोटल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब इसमें से क्या होगा, कुछ ऐसे फिनिश गुड्स पिछले साल के होंगे जो कि जिनका खर्चा पूरा का पूरा पिछले साल लग चुका, जिनका पूरा का पूरा खर्चा पिछले साल लग चुका है, लेकिन बस वो तो इस साल तो केवल बिकने के लिए आए हैं कि हाँ भाई हमको बेच लो, तो वो क्या होगा, इस साल बिकेंगे, इस साल बिकेंगे तो भैया इस साल बेचने वालों की सेल्स के अंदर उनको ऐड करेंगे क्या, हाँ। और जो इस साल नहीं बिक पाए उनको क्या करेंगे, लेस, उनको अगले साल ऐड करेंगे, उनको अगले साल बेचेंगे। तो इसको अगर मैंने ऐड लेस कर दिया तो आ गया मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर अगर मैं ऐड कर दूंगा मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो आ जाएगा मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आपको सेल से कंपेयर कर लूंगा तो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट। चेक कर लें, 4,75,000 का प्रॉफिट, 50,25,000 की कॉस्ट ऑफ सेल। तो आइए दोस्तों, हमारी बुक के अंदर सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गए आपके 50,25,000 का और प्रॉफिट आ गया 4,75,000 का। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंप्लीट होता है। तो ये लो भैया, ये हमने यहाँ पे टिक भी लगा दिया। कितना समय हो गया, 1 घंटा 48 मिनट। अब मेरे पास नया बड़ा क्वेश्चन लेने का समय नहीं बचा, क्योंकि मेरे को अगले 15 से 20 मिनट है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लूंगा जो मैं आपको समझाऊंगा और आप लोगों को होमवर्क दूंगा। क्या करूंगा, समझाऊंगा और आपको होमवर्क दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी इच्छा है ना यार, मैं 6ठा क्वेश्चन करा ही दूं। चलो, ऑलमोस्ट सिमिलर सा क्वेश्चन है, समझाऊंगा और होमवर्क दूंगा। क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन जून 2018 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन, देखना अभी हमने किया था जून 2019 का 8 मार्क्स का क्वेश्चन, अब उससे जस्ट एक साल पहले का जून 2018 का 8 मार्क्स का क्वेश्चन मैं करूंगा। अब देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूं। हालांकि चिंता ना करने का, मैं आपको पूरा यहां समझा करके ही होमवर्क दूंगा, मतलब उसके बाद तो आपके लिए फॉर्मेलिटी रह जाएगी। कैसे, देखना ध्यान से। सबसे पहले फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ वीमियस लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2017। नवंबर 2017 के लिए डेटा दिया है। डायरेक्ट लेबर दे रखी है 20,000, जो कि है 125% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अब मुझे एक चीज बताओ, माना कि फैक्ट्री ओवरहेड एक्स है, तो एक्स का 125% जो है वो है मेरा लेबर, और जो कि मेरे कितने के बराबर है, जो कि है मेरे 20,000 के। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मेरा x जो कि मेरे लिए फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा,
एक्स जो कि मेरे लिए फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा, तो क्या वो मेरे लिए 20,000, अब ये 125% इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड में चल जाएगा, तो 20,000 में अगर मैं 125% का डिवाइड लगा दूंगा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ मेरा फैक्ट्री ओवरहेड 16,000 का है? क्या मेरा फैक्ट्री ओवरहेड 16,000 है, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या? यस सर कह सकते हो। इन्वेंट्री के अकाउंट शोज फॉलोइंग डिटेल दे रखी है, नवंबर 1 मतलब की ओपनिंग, नवंबर 1 मतलब ओपनिंग और नवंबर 30 मतलब क्लोजिंग। रॉ मटेरियल का भी दे रखा है, WIP का भी दे रखा है, फिनिश गुड्स का भी दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, ऑफिस एक्सपेंस दे रखे हैं, सेल्स दे रखा है। और आपको यहां पर क्वेश्चन में मैंने क्या निकाल दिया, मैंने इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए निकाल दिया फैक्ट्री कॉस्ट भी निकाल दी। अब इस क्वेश्चन में रह क्या गया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या करें? और कंपनी मेंटेन करती है प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25% प्रॉफिट कंपनी मेंटेन करती है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो की पॉइंट है वो क्या है, देखो मैं आपको ध्यान से समझा, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है सर, इसके अंदर ना रॉ मटेरियल का ओपनिंग है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग है, लेकिन सर इसमें हमें ना रॉ मटेरियल की परचेजेज नहीं दे रखी। बहुत अच्छा पॉइंट है, ये क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा आपको, होमवर्क नहीं दूंगा, चिंता नहीं करो। तो ये यहां पर इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, ये आप लोग बच्चा लोग इस क्वेश्चन को लगा लें स्टार मार्क। और जैसा कि मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हूं कि मैं जिस भी क्वेश्चन में स्टार मार्क कराऊंगा उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको हैंड टू हैंड की भी लिखाऊंगा कि की क्या है, क्यों स्टार मार्क कराया। तो की है यहां पर रॉ मटेरियल की परचेजेस निकालना, कि रॉ मटेरियल परचेजेस कैसे आएगी ये निकालना इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, ठीक है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ये विद ऑल एलिमेंट्स। अब आपको यहां पर पॉइंट ये आता है कि सर आपने तो क्या है ना इन क्वेश्चंस को इतनी बार करा लिया तो आपको समझ में आ गया, लेकिन हमको कैसे समझ में आएगा? तो मैंने कहा भाई इसको समझने के लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहला खर्चा क्या लेना है, रॉ मटेरियल। आपको अब ये क्वेश्चन हो गया यहां से, अब मैं तो खोलूंगा अपनी बुक, आप खोलेंगे अपनी बुक और मैं करूंगा सॉल्यूशन चालू। और अब मैं सॉल्यूशन कैसे करूंगा, अब देखो मैं थोड़ी चीटिंग करूंगा, मैं यहां पर चीटिंग ये करूंगा कि मेरे क्वेश्चन नंबर 5 है और मैं इसको करूंगा यहां से कॉपी। कैसे करूंगा कॉपी, देखना भी आप, तुम्हें पता है ना मैं चीटिंग में बड़ा मास्टरपीस आदमी हूं। तो ये देखो ये मैंने करी कॉपी, इसका डुप्लीकेट तैयार किया और इसके डुप्लीकेट को उठा के मैं ले आया, यहां पर अब देखना क्या होगा जादू, ये हुआ जादू, ठीक है ये जादू है भैया, इसका डुप्लीकेट यहां से उठाया, ये यहां से लिया, इसका डुप्लीकेट तैयार किया और ये डुप्लीकेट उठा करके मैंने चिपका दिया इसके नेक्स्ट पेज पे, ये भी मैंने चिपका दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास यहां पर रेडी। अब मैं इसको क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 6। मेरे लिए तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने यहां करा दिया ना, ये तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया और क्वेश्चन नंबर 6 मेरा यहां से है। लेकिन इसके लिए दोस्तों आप चिंता ना करो, मैं सारे फिगर्स आप लोगों के लिए सारे फिगर्स मैं यहां से हटा दूंगा, मैं आप चिंता मत करो मैं सारे फिगर हटाऊंगा। सर इसमें चिंता क्या, आपको इसके बिना भी कर सकते थे क्या? मैंने कहा बात तो आपकी भी सही है, मैं इसके बिना कर तो नहीं सकता था, लेकिन हाँ मेरे को ये इतनी सारी, क्योंकि अब देखिए ये मेरे लिए इरेलेवेंट है क्योंकि मेरे को जो चीज़ समझाने की है ना वो तो मैं आपको समझा ही दूंगा ना। अब मैं इस पूरे परफॉर्मा को मैं आप लोगों के लिए वापस उतारूं तो वो मेरे लिए जस्टिफाइबल नहीं होगा ना, मेरे को आपको भी अच्छा नहीं लगेगा सर आप इतनी मेहनत करोगे हमारे सामने, हमारे होते हुए सर आप इतनी मेहनत करो, हमको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी सर। तो ये मैंने यहां से लेस कर दिया, ठीक है। ये सर इतनी मेहनत तो आपको मिटाने में लग गई जितनी तो आप मैं खुद ही लिख देते, मैंने कहा नहीं भैया थोड़ी तो कम, थोड़ा तो बचेगा, देखो कोमा तो बची गए ना हमारे पास, कितने सारे कोमा बचे हैं देखो आप। चलो अब आ जाओ, अब देखिएगा बच्चा थोड़ा फास्टली लेंगे इस क्वेश्चन को, क्या है ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्ट लेबर 20,000 जो कि 125% है फैक्ट्री ओवरहेड के। अब मुझे एक चीज बताओ, इससे पहले मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है क्या? यस सर दे रखा है, कितना दे रखा है
सर यहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 10,000 रुपए, तो ये लो भैया ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 10,000। क्या परचेजेस दे रखी है क्या? अभी तक नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो अभी तक मेरे को नहीं पता। क्लोजिंग दे रखा है क्या? यस सर दे रखा है। कितना है? 20,000। ठीक है, फिर इसके बाद में लेबर दे रखी है क्या? यस सर 20,000 रुपए की लेबर दे रखी है। सर प्राइम कॉस्ट आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। क्यों? जब तक मेरे को डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट नहीं पता चलेगा तब तक प्राइम कॉस्ट आएगी नहीं, लेकिन मुझे फैक्ट्री ओवरहेड पता है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? सर फैक्ट्री ओवरहेड आएगा आपका, आपके लिए लेबर जो है वो 20 लाख रुपीज की लेबर है, सॉरी 20,000 की है, हाँ 20,000 की लेबर है, जो कि है 125% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड के बराबर। तो अगर ये 125% के बराबर है तो भैया आपका ये कितना आ जाएगा? तो आपके लिए फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 16,000। क्या मेरा वर्क कॉस्ट आ जाएगा? सर कैसी बातें करते हो, जब प्राइम कॉस्ट ही नहीं है तो वर्क कॉस्ट कैसे आएगी? नहीं आएगी। लेकिन ओपनिंग WIP दे रखा है क्या? यस सर दे रखा है। कितना है? 8,000। क्लोजिंग दे रखा है क्या? यस सर दे रखा है। कितना है? 5,000। तो 5,000, 8,000 एड, 5,000 लेस, इससे फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी? नहीं, नहीं आएगी। क्यों? है ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्वेश्चन ने खुद ने दे दिया, डायरेक्टली फिगर दिए हुए हैं, कोई आपको सॉल्व करके लेके आने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली दे रखा है। कितना दे रखा है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब कि ऑफिस एक्सपेंस। मैंने आपको पहले लिखाया था ना कि ये ऑफिस एक्सपेंस के नाम से भी आ सकता है, तो ऑफिस एक्सपेंस कितना हो गया मेरे लिए? 10,000। ऑफिस एक्सपेंस हो गया 10,000। अगर मैं इसमें से अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद यहां पर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो कि कितना दे रखा है? 10,000। ये ले लूंगा, ये ले लिया। क्लोजिंग है क्या? क्लोजिंग भी दे रखा है। कितना है इसमें? क्लोजिंग दे रखा है 5,000। तो ये क्लोजिंग भी दे रखा है और ये क्लोजिंग आपका लेस हो जाएगा। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा क्या? आंसर इज नो, क्योंकि ऊपर से सारे लिंक्ड है ना। जब तक मटेरियल नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं आएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं आएगा। सेलिंग दे रखा है क्या? यस सर 15,000। 15,000 रुपए के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा क्या? अगेन आंसर इज नो, नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? सेल्स 1,25,000। अब देखना असली खेल चालू होता है। अब क्वेश्चन ने क्या रखा है? क्वेश्चन ने दिया है प्रॉफिट दे रखा है, कंपनी प्रॉफिट मेंटेन करती है 25% ऑन कॉस्ट। क्या कॉस्ट पता है क्या? नहीं पता। सेल पता है क्या? पता है। अब देख ध्यान से सुनना, सेल इज इक्वल टू, सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट। सेल इज इक्वल टू होगी टोटल कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट। तो अगर मैं लेट टोटल कॉस्ट, लेट टोटल कॉस्ट बी एक्स, माना कि टोटल कॉस्ट मेरी एक्स है, तो मुझे एक चीज बताओ, टोटल कॉस्ट अगर मेरी एक्स है तो इसमें प्रॉफिट कितना होगा? सर एक्स का 25%। तो अगर मैं कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो क्या मेरे पास सेल्स आ जाएगी क्या? और जो कि मेरे लिए इक्वल टू कितनी है? 1,25,000। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं एक्स में अगर इसको ऐड करूंगा तो ये कितना आएगा? ये एक्स, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये वाला प्लस है, क्योंकि कॉस्ट में प्लस करूंगा ना प्रॉफिट, तो एक्स प्लस 0.25x जो कि मेरे लिए इक्वल टू है 1,25,000 के, वो मेरे बराबर है 1,25,000 के। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे लिए x, क्योंकि अब ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के मेरे लिए हो जाएंगे 1.25x। तो अगर मेरा 1.25x इज इक्वल टू है 1,25,000 के, तो क्या मैं x इज इक्वल टू 1,00,000 जो कि मेरे लिए क्या है? टोटल कॉस्ट, जो कि मेरे लिए है टोटल कॉस्ट, क्या आ जाएगा क्या? अगर मेरा टोटल कॉस्ट 1,00,000 है तो क्या मेरा प्रॉफिट आ जाएगा क्या?
तो क्या मेरे लिए प्रॉफिट आ जाएगा? यस सर आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट है हमारे पास 1 लाख, उसका 25% आपका प्रॉफिट है, तो आपके लिए टोटल फिगर आ जाएगा 25,000। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता था, कैसे, कि सेल्स अगर 1,25,000 है और टोटल कॉस्ट 1 लाख है तो 25,000 का प्रॉफिट है, और इसको नाम दे दूंगा मैं वर्किंग नोट का। तो अब मेरे लिए तो अब क्वेश्चन की पैकिंग करनी है बस मेरे को, अब मेरे को इस क्वेश्चन की पैकिंग करनी है। कैसे, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अंदर 1,25,000 है, प्रॉफिट आ गया मेरा 25,000। अगर ये मेरा 25,000 आ गया, अब मैं यहां से क्वेश्चन चलूंगा उल्टा, आप लोग चाहे तो ऐसे एरो बना लें, आप लोग चाहें तो ऐसे एरो बना लें कि हाँ भैया ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नीचे से ऊपर होते हुए गया है, आप लोग चाहें तो ऐसे एरो बना सकते हैं। तो अब ये 25,000 का प्रॉफिट हो गया, 1,00,000 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट, मेरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मैंने 15,000 ऐड किया था तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ सेल आया। अगर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में 15,000 ऐड किया था तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ सेल 1,00,000 आया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरे लिए 85,000 आया? कैसे, 1,00,000 में से 15,000 लेस कर दिया, चाहे आप चाहें तो यहां पर आप लोग इसकी कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं कि आया 1,00,000 माइनस 15,000 मैंने लेस किए करवाए। तो ये 1,00,000 में से 15,000 हमने लेस किया है, तो ये आ गया आपके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से 10,000 ऐड किया और 5,000 लेस किया तो 85,000 आए। अगर मैं उल्टा जा रहा हूं तो क्या होगा, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो प्लस होगा और माइनस होगा, लेकिन नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो जो प्लस हो रहा था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस हो रहा है वो प्लस हो जाएगा। सर कैसे, मैंने कहा ध्यान से सुनना, सपोज से 100 रुपए में 5 ऐड करने हैं और 10 लेस करने हैं, क्या बच्चा लोग ध्यान से सुनना, 100 रुपए में 5 ऐड करने हैं और 10 लेस करने हैं तो क्या आएगा? सर 95 आएगा। मैंने कहा मेरे को क्वेश्चन में 100 नहीं दे रखा, अब मैं कैसे निकालूं? सर आपने 100 में से 5 ऐड किया था और 10 लेस किया था तो 95 आया था, लेकिन अगर मैं अब 95 से 100 ऊपर जा रहा हूं तो मेरे को उल्टा चलना है, तो उल्टा चलना है तो मैं क्या करूंगा, 95 में 10 ऐड करूंगा तो 105, और 105 में से मैं 5 लेस कर दूंगा, 105 में से मैं 5 लेस कर दूंगा तो मेरे पास 100 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मेरे को वहां पे करनी है, क्योंकि जब मैं उल्टा चलूंगा तो मेरे जो साइन है वो उल्टे हो जाएंगे, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, ठीक है ना? आई होप सो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है जो अपन लोग बचपन से करते आ रहे हैं। तो ये कैसे हो जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा मेरे लिए 85,000, जो माइनस था 5,000 वो हो जाएगा मेरे लिए प्लस का 5,000, और जो मेरे लिए 10,000 था वो 10,000 प्लस का था वो हो जाएगा माइनस का 10,000, तो इन शॉर्ट ये आ जाएगा मेरे लिए 80,000। चेक भी कर लें, 80,000 में 10,000 ऐड करोगे तो 90,000, 90,000 में से 5,000 लेस कर दोगे तो 85,000 आ जाएगा, तो इन शॉर्ट ये भी हो गया, तो 80,000 आ गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने फैक्ट्री कॉस्ट में से 10,000 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है मेरी 80,000, अगर मैंने फैक्ट्री कॉस्ट 80,000 लाने के लिए, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मेरे लिए 80,000, अगर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 80,000 की है, वो कैसे आई, फैक्ट्री कॉस्ट में 10,000 ऐड किया तो आई, मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं, ऊपर से नीचे आ रहा था तो ऐड कर रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो लेस कर दूंगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 70,000। चेक भी करते चलना, आप लोग अपनी कैलकुलेशन को चेक भी करते चलना कि भैया 70,000 प्लस 10,000 तो 80,000 आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है, तो ये आ रहा है तो हो गया। अब वही अगेन, अब मैं बार बार नहीं समझा रहा हूं आपको, मैंने यहां पर क्या किया था 80,000 में से लेस किया है 10,000, तो ये आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, वही सेम सिनेरियो जो अभी मैंने प्लस माइनस आपको कराया, साइन उल्टे हो जाएंगे तो कैसे होगा, तो ये 70,000 था, इस 70,000 में से 5,000 तो आपके लिए ऐड हो जाएगा, तो 5,000 आपके लिए ऐड हो जाएगा 70,000 में, और 8,000 आपके लिए लेस हो जाएगा, तो 5,000 ऐड, 8,000 लेस, तो इन शॉर्ट मैं आपको कह सकता हूं 70 + 5 = 75, 75 में से 8 लेस किया तो 67,000। अब एक बार चेक भी कर लो, 67 + 8 = 75, 75 में से 5 गए तो 70, ठीक है। अब अगर प्राइम कॉस्ट के अंदर
मैंने 16,000 ऐड किए फैक्ट्री ओवरहेड के, अगर प्राइम कॉस्ट में मैंने 16,000 फैक्ट्री ओवरहेड के ऐड किए तो मेरे पास वर्क कॉस्ट आई 67। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड 16,000 ऐड किया तो मेरे पास वर्क कॉस्ट आई 67,000। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये कैसे आएगा? सर वही आपने एक चीज बहुत अच्छी बताई है, ऊपर से नीचे के जो चिन्ह थे वो जस्ट, वो जो साइन थे वो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। तो सर 67,000 में से लेस हो जाएगा 16,000 क्योंकि ऊपर प्लस था, तो ये आ जाएगा सर आपके लिए 51,000। एक बार चेक भी कर लेना, 51 प्लस 16 67। अब आओ असली चीज पे, अब आइए, अब देखो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट लेबर दोनों मिलाकर के हैं प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर मिलाकर के हो रहे हैं प्राइम कॉस्ट 51 की। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे लिए 31,000 रुपए की डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन आ गया, जो कि आया मेरे से बैलेंसिंग फिगर से, बैलेंसिंग फिगर से मेरे पास 31,000 का कंजम्पशन आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगेन मैं उल्टा चल रहा हूं, मैंने 10,000 में कुछ अमाउंट जोड़ा, मैं यहां पर आपके लिए वर्किंग नोट बना देता हूं, वर्किंग नोट नंबर 2, जिसका मैं नाम दूंगा कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेजेस, रॉ मटेरियल परचेज की कॉस्ट कैसे आई। अब देखो आपको पता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है आपको 10,000 और क्लोजिंग दे रखा है 20,000। ओपनिंग दे रखा है 10,000, इसमें कुछ माल परचेज का रहा है, परचेज जो किया उसको हमको पता नहीं, तो माना कि लेट परचेजेस बी एक्स, माना कि ये हमारे लिए एक्स है, तो ये एक्स हो गया। इसमें से हमने क्लोजिंग लेस किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दे रखा है 20,000, तो ये 20,000 लेस किया। अब इसके बाद जो आएगा उसे हम बोलेंगे रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन बोलेंगे, और यहां पर डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन मेरे को गिवन है, गिवन नहीं है, कैलकुलेटेड है, कितना 31,000। अब मैं आपको पूछूं कि 10,000 प्लस एक्स, 10,000 प्लस एक्स सॉरी माइनस 20,000 इज इक्वल टू है 31,000 के। तो क्या मैं यहां पर एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा क्या? कैसे निकलेगी? यहां जो माइनस का साइन है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 31,000 का कंजम्पशन है, जो 20,000 क्लोजिंग के माइनस थे वो वहां जाकर के प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हो गया 20,000, और जो प्लस था 10,000 ओपनिंग का वो वहां जाकर के लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000। तो इन शॉर्ट एक्स आ जाएगा आपके लिए 41,000 का। तो इन शॉर्ट आप लोगों के लिए एक्स जो कि है परचेजेस, जो कि आपके लिए क्या है परचेजेस है, तो परचेजेस हो गई आप लोगों के लिए 41,000 की। तो गाइज यहां पर ये आ गया 41,000, और इसकी कैलकुलेशन कहां दे रखी है? इसकी कैलकुलेशन दे रखी है वर्किंग नोट नंबर 2 में जाकर के, वर्किंग नोट नंबर 2 जाकर के देखो। अब आपको लिए क्या करना है, अब आपको फटाफट से मैं आप लोगों के लिए बिग स्क्रीन पर कर देता हूं इसको, और आप लोग इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने का तरीका क्या है? अगर कॉपी कर लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो भैया वीडियो को करो पॉज और यहां से कॉपी कर लो। तो आपने प्राइम कोर्स तक कॉपी किया है यहां तक पॉज करके, फिर प्राइम कोर्स से नीचे का यहां तक कॉपी किया आपने अगेन पॉज करके, पॉज कॉपी, फिर आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद तक का यहां तक सेल्स तक का कॉपी किया, ये आप लोगों ने सेल्स तक का कॉपी किया, फिर उसके बाद में यहां पर वर्किंग नोट जो था इसका वो वर्किंग नोट आपने कॉपी किया, इस वर्किंग नोट को कॉपी करने के बाद ये आपने दूसरा वर्किंग नोट कॉपी किया, ये लो ये आपने दूसरा वर्किंग नोट कॉपी किया, दैट्स ऑल।
इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है यहां पर समाप्त, ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। सर आपने खूब सारे क्वेश्चन करा दिए, दो क्वेश्चन करा दी ना, मतलब सर हमको तो होमवर्क देते ही नहीं हो। मैंने कहा दे रहा हूं आज, बोल दो, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मेरे क्वेश्चन, आपको भी पता है ये चीज बहुत अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया है। आपको भी पता है कि मैं एग्जाम में आपको क्वेश्चन होमवर्क बहुत कम देता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब मैं आज आपको छोटे छोटे इत्तू इत्तू से दो दो नंबर के क्वेश्चन होमवर्क दूंगा देखो, लेकिन मैं इनको पूरा समझा करके दूंगा, आप लोगों को पूरा समझा करके दूंगा, ताकि आप लोगों को आगे जाकर के कोई भी दिक्कत ना आए। अब ध्यान से सुनना क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। फैक्ट्री कॉस्ट इज 380,000, फैक्ट्री कॉस्ट क्या बोल रहा है बच्चा लोग, फैक्ट्री कॉस्ट इसका मतलब प्राइम कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, रॉ मटेरियल का ओपनिंग और ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP का एडजस्टमेंट हमने कर दिया, फिर जाकर के आया हमारे लिए फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 410,000। अब मुझे बताओ फैक्ट्री कॉस्ट में क्या जुड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे लिए 30,000 रुपए का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 30,000 रुपए का मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। और क्वेश्चन कहता है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो कि 30,000 है, वो है आपका 20% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड के, फैक्ट्री ओवरहेड का 20% के बराबर है। मतलब क्वेश्चन चलो मैं करा देता हूं यार, आप भी क्या याद रखोगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया हो ना उसको गिवन में लिख लेंगे, क्या दे रखा है, मैं यहां से आपके लिए मेरी बुक से देख रहा हूं, आप लोग अपनी बुक में देखें। फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है 380,000, तो यहां दे रखा है आपको फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है 380,000 की। फिर आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो दे रखा है 410,000 का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 410,000, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड का 20%, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो है 20% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का 20%, तो फैक्ट्री ओवरहेड का 20% है। इसके अलावा और कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। पूछा गया है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट, अज्यूम करो नो स्टॉक एडजस्टमेंट, ये मानते हुए कि स्टॉक के कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अब मैं इसका यहां पर सोल्यूशन करना चालू कर रहा हूं, मुझसे ये नहीं पूछा डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, मुझसे तो क्या पूछा इन्होंने, प्राइम कॉस्ट बता दो साहब। मैंने कहा अभी बता देंगे, कैसे देखना कैसे बताऊंगा, मुझे इतना पता है कि प्राइम कॉस्ट क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैंने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का ओवरहेड जोड़ दिया तो मेरे पास वर्क कॉस्ट आती है, और फिर उसमें मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ये ऐड करता हूं तो मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट आती है। लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया कि आपके लिए किसी भी प्रकार का स्टॉक का एडजस्टमेंट है ही नहीं, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या दे रखा है ये अभी तक मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास जो फिगर आएगा उसे मैं बोलूंगा फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलूंगा बच्चा लोग, उसे मैं बोलूंगा फैक्ट्री कॉस्ट। साथ के साथ कॉपी करते रहिएगा, बाद में टाइम नहीं दूंगा कॉपी करने का। तो ये आ गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट, और क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है आपको 380,000, 380,000 फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें आपको ऐड कर देना है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है वो पता नहीं, वो नहीं पता, लेकिन इसको ऐड करने के बाद जो हमारा आएगा उसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों भैया, क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या भैया, तो इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दे रखा है 410,000। अब मुझे एक चीज बताओ, 380,000 रुपए हैं और 380,000 रुपए में मैं क्या जोड़ूं, 380,000 रुपए में मैं क्या जोड़ूं कि 410,000 आ जाए, सर 30,000। और ये आया कैसे, बैलेंसिंग फिगर, ये आया कैसे, बैलेंसिंग फिगर।
अब मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन में ये कह रखा है फैक्ट्री ओवरहेड का 20%, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड मल्टीप्लाई बाय 20% इज इक्वल टू है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मेरे को दिया हुआ है तो क्या मेरे लिए फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा क्या? यस सर आ जाएगा। कैसे आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय 20%, और वो कितने के बराबर है? देखो 30,000 तो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, उसका डिवाइड कर दिया अगर मैंने 20% तो यहां पर मेरे लिए 150,000 रुपए आ जाएगा, और वो 150,000 मेरा क्या होगा? वो होगा मेरे लिए फैक्ट्री ओवरहेड। यहां इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड है भैया, कल को तुम लोग इसको फिक्स्ड ओवरहेड लिख लोगे। 150,000 आ गया। अब मेरे पास ये 150,000 आ गया, और ये कैसे आया? इसकी कैलकुलेशन मैंने वर्किंग नोट में दे दी, और वर्किंग नोट कहां बनाया? वर्किंग नोट मैंने यहां बनाया। वर्किंग नोट किस चीज का है? वर्किंग नोट है भैया कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है? तो यहां पे आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको कोई प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए बोले, अब निकाल दोगे क्या? सर अब भी नहीं बचेगा क्या? तो यहां पर प्राइम कॉस्ट आ जाएगा आपके लिए बैलेंसिंग फिगर से, जो आ जाएगा आपका 380,000। 380,000 में से अगर मैं 150,000 लेस कर दूंगा तो 230,000 रुपए का मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। आप लोगों को अगर आपने कॉपी कर लिया है तो वेल एंड गुड इनफ, नहीं किया है तो भैया देखो, ये तो मैंने गिवन डेटा लिखा है, ये तो मैंने गिवन डेटा लिखा है, तो आप लोग यहां से कॉपी कर सकते हैं, और फिर ये आपके लिए मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वर्किंग नोट बनाया, तो आप लोग यहां से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है, ठीक है? ओके ऑलराइट। अब मैं एक बार के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मैं आगे के क्वेश्चन बाद में करूंगा, बस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्राइम कॉस्ट दे रखा है 12,50,000, वर्क कॉस्ट दे रखे 20,00,000। अब मुझे एक चीज बताओ, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ता हूं तभी तो आता है ना मेरा, तभी तो आता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि 7,50,000 रुपए मेरे लिए फैक्ट्री कॉस्ट है? 7,50,000 रुपए क्या मेरे लिए फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा क्या? अब इसमें दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है जो 30% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड जो कि 7,50,000 है, तो 7,50,000 रुपए का 30% अगर मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है तो 7,50,000 का 30%, तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना हो गया? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो जाएगा मेरे लिए 2,25,000। मैंने प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट का डिफरेंस तो लिया फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड का 30% दे रखा है मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो इसका मतलब 2,25,000 हो गया। अब मुझे क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो अगर मैं वर्क कॉस्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पास स्टॉक की तो कैलकुलेशन है ही नहीं, तो मेरे लिए जो वर्क कॉस्ट है वही मेरे लिए फैक्ट्री कॉस्ट है, और अगर मैं फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2,25,000 जोड़ दूंगा तो क्या मेरे पास 22,25,000 मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा क्या? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है जो कि मैंने आपको पूरा यहीं करा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आप लोगों को करा दिया है। इसके बाद आप लोग चाहें, अब आप लोग इतनी इच्छा है कि सर होमवर्क कुछ तो दे दो, तो मैंने कहा येलो, फिर आपको एनुअल सेल्स दे रखी है, मटेरियल दे रखा है, लेबर दे रखा है, ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आप लोग चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मतलब कि फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस मतलब, अब आपको ये देखो, ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे दिया, ये आपको सेलिंग ओवरहेड दे दिया, कोई किसी प्रकार का कोई स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली आपको मटेरियल निकालना जो कि 36,000 मल्टीप्लाई बाय 4 से आ जाएगा, तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 1,44,000 रुपए का तो आ गया मटेरियल। अगर 0.6 है आपका लेबर तो 36 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,600 रुपए आ जाएगी आपकी लेबर। अगर इसमें मैं लेबर के अंदर आपका ये सारी चीजें जोड़ दूंगा, ओवरहेड सारे तीनों, तो क्या मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी क्या? और क्वेश्चन कहता है कि सेलिंग प्राइस बताओ, अगर प्रॉफिट 1.5 रुपए रखना है तो प्रॉफिट 1.5 रुपए रखना है। अब मुझे एक चीज बताओ, प्रॉफिट 1.5 रुपए रखना है 36,000 यूनिट पर, तो क्या मेरे पास प्रॉफिट है क्या 54,000 का? प्रॉफिट है क्या 54,000 का? यस सर 54,000 का प्रॉफिट है। यहां पर 24,000 मेरा इसके लिए है, मेरा 28,800 आपके इसके लिए है एडमिनिस्ट्रेशन का,
सेलिंग एक्सपेंस जो है वो मेरे लिए 15% ऑफ सेल्स है, सेलिंग एक्सपेंस मेरे लिए 15% ऑफ सेल्स है, सेल्स मुझे पता नहीं है, तो क्या मैं ऐसी सिचुएशन में सेलिंग प्राइस निकाल दूंगा क्या? सर निकाल दोगे, फटाफट से मैं आपको बता देता हूं कैसे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का रहेगा 3 के अंदर मैं सबसे पहले कैलकुलेट कर दूंगा डायरेक्ट मटेरियल जो कि मैंने कैलकुलेट कर दिया है, डायरेक्ट मटेरियल जो कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है। मैं अब आपको कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूं, मैं केवल सीधी वो लूंगा फिगर फिगर 144,000 डायरेक्ट मटेरियल 144,000, इसमें मैं डायरेक्ट लेबर जोड़ दूंगा जो कि है मेरे लिए 21,600 की। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी 165,600 की। अगर मैं इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दूं तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते क्या मेरे पास यहां पर फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी क्या? ये ध्यान रखना भैया, ये फैक्ट्री कॉस्ट है। तो फिक्स्ड ओवरहेड सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड कितना दे रखा है? फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है आपको 24,000 और ये 28,800, तो ये तो आ गया आपका 24,000। और अगर ये 24,000 है तो फिक्स कॉस्ट ये कितनी हो गई? तो ये आ गई आपके 24,000 ऐड कर दिया तो 189,600। इसके अंदर आपको ऐड कर देना है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड किया जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है 28,800 का, तो इसमें अगर आपने 28,800 ऐड कर दिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा आपके पास 218,400 का, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 218,400 अगर आ गया तो इसमें ऐड कर दूंगा मैं सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस में इसमें ऐड कर दूंगा जो कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे सेल्स का एट द रेट 15% ऑफ सेल्स है, एट द रेट 15% ऑफ सेल्स है, ठीक है साहब ले लेंगे। इसको ऐड करते ही मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल जो कि मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें ऐड कर दूंगा मैं प्रॉफिट को जो मुझे पता है, जो मैं ऐड कर दूंगा प्रॉफिट वो मुझे पता है, और प्रॉफिट कितना आ रहा था मेरा 54,000 का, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये बात करूं कि मेरे लिए यहां सेल्स, माना कि मैं सेल्स को मान लेता हूं एक्स, सेल्स अगर एक्स मान लिया तो मैं अगर ऊपर से कैलकुलेशन करते हुए आता हूं तो ये क्या है मेरे लिए 0.15x, क्योंकि अगर सेल्स एक्स है तो सेलिंग एक्सपेंस कितना है 0.15x, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हो जाएगी 218,400, 218,400 प्लस 0.15x तो आ जाएगा 0.15x। और अगर मैं आपको यहां ये बोल दूं कि सेल इज इक्वल टू होती है कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट के, और यहां पर मेरे को दे रखा है सेल है x, तो कॉस्ट ऑफ सेल है 218,400 प्लस मेरा 0.15x मेरा सेलिंग एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट जो कि मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में 54,000 का, मतलब कैलकुलेट किया है हमने 54। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर x इज इक्वल टू हो गया 272,400 प्लस 0.15x, तो क्या इससे x की वैल्यू आ जाएगी क्या? यस सर 272,400 यहां पर ये 0.15 जो था ये उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक में से 0.15 माइनस किया तो ये कितना बच गया 0.85x, तो ये 0.85 के बराबर रह गया, x तो उधर आ ही गया था, तो 0.85 का अगर मैं डिवाइड लगा दूंगा तो क्या मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी क्या? तो 0.85 का डिवाइड लगाओ x की वैल्यू पाओ, और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 272,400 डिवाइडेड बाई 0.85, तो ये आ जाएगी मेरे पास 320,470.58 आ रहा है, मैं इसको 471 ले लेता हूँ, तो मेरे पास ये x की वैल्यू आ गई, और x मेरे लिए कितना आ गया सेल्स। अब मेरे से क्वेश्चन ने क्या सेल्स पूछा था क्या? नो, मेरे से क्वेश्चन ने पूछा था सेलिंग प्राइस, तो क्या करना है सिंपल, सेलिंग प्राइस पूछा है ना, तो सेलिंग प्राइस होता है आपके लिए सेल्स डिवाइडेड बाई यूनिट्स, और सेल्स कितना है 320,471, और डिवाइड कर दूंगा इसको मैं
मेरी यूनिट से जो कि है मेरे लिए 36,000, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी डिवाइड बाय 36,000, तो ये आ जाएगी मेरे लिए रुपीज 8.90, ये मेरे लिए आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड कॉपी, नहीं किया है तो भैया देखिए यहां पर आप लोगों को पॉज करके यहां तक का कॉपी कर लेना है और देन यहां से आपको यहां तक का कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज रही, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट, और आपका सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो आपको सारे क्वेश्चंस खुद से वापस से ट्राई करने हैं, पहले आप लोगों को सारे क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करना है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को खुद से ट्राई करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने आज की क्लास में किए हैं, ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों को कवर अप करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों को कवर अप करना है, कोई भी दिक्कत आए डोंट हेजिटेट, यू आर जस्ट ओनली ए सिंगल कॉल और मैसेज अवे। लेकिन हाँ, मेरे को यहां पर कमेंट करके मत बताना मत भूलिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको पूरा समझ में आया कि नहीं आया, तो ये सारी चीज आप मुझे बताना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों का मैं उम्मीद करता हूं, और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोग YouTube पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो के नीचे लाइन में आपको मेरे क्लास के कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, तो अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट होना मत भूलिएगा आप सभी लोग, चाहे आप लोग मेरी क्लास पेन ड्राइव पे देख रहे हैं या ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे देख रहे हैं, दोनों ही केस में। ओके, थैंक यू सो मच पीपल, थैंक्स अलॉट फॉर दिस मच ऑफ लव। एंड यस, एंड में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, क्या जिंदगी में सब कुछ भूलना लेकिन एक बात मत भूलना, क्या? हाँ, तो फिर लंबी गहरी सांस छोड़ें और दिल से बोलें, कोस्टिंग आसान है। तो जी हाँ दोस्तों, कोस्टिंग है आसान, और मैं आप लोगों को एक बार फिर से मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय द क्लास ऑफ कोस्टिंग विद CACMA आशुतोष लाटा, और भूलिएगा मत All India rank first CMA final. All the very best guys with lots of love. Bye bye. Take care. और हाँ, साथ के साथ जरूर करना, क्योंकि अगर साथ का आप करते हो वादा, तो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों का जो इरादा वो रहेगा कम से कम 70 marks. Don't worry, मैं दिलाऊंगा, पहले भी दिलाया है, अभी results में more than 70 बच्चों के पास marks हमारे में exemption के हैं, और उन 70 में से 60 प्लस बच्चों के 70 प्लस मार्क्स ही हैं। मतलब यहाँ पर मेरे स्टूडेंट के अगर एग्जम्पशन आ रही है तो एग्जम्पशन 60 62 65 पे नहीं आती है, वो एग्जम्पशन 70 प्लस पे ही आती है। 90 प्लस कम से कम 10 बच्चों के हैं, इंक्लूडिंग 95 रुद्र फ्रॉम दी गुड़गांव। ओके, थैंक यू सो मच पीपल, थैंक्स अलॉट फ्रॉम CACMA आशुतोष लाडा प्रोफेशनल अकेडमी से। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CACMA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों ना फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है, और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। दिस इज कोमल मिश्रा ऑफ क्लास 11। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन। हेलो, माय नेम इज अंशिका एंड आई एम डूइंग सीए इंटरमीडिएट। आई एम फ्रॉम बिहार, स्टूडेंट ऑफ सीए सिंस क्लास 11 एंड नाउ इन फाउंडेशन। आई हैव परचेस्ड माय सीएमए इंटरमीडिएट फ्रॉम CACMA एजुकेशन। हाय एवरीबॉडी, दिस इज राहुल, आई एम करंटली परसुइंग द सीएमए फाइनल। मैंने YouTube पर पहली बार तो सर के क्लास देखी, उनकी पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करो, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हैं, आप लाइव क्लासेस में बैठे हैं। संतोष सर हैज क्लियर्ड ऑल माय डाउट्स एंड ही गिव्स अ वेरी तगड़ा आंसर टू हर कंप्लेंट्स। थैंक्स टू COC माय कॉन्सेप्ट्स आर प्रीटी क्लियर, माय डाउट्स गेट क्लियर राइट अवे एंड आई एम इवन एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।